तो जीसस धन्यवाद यीशु बोलते हुए सभी अपने हाथ को उठा लो स्वर्ग के परमेश्वर की तरफ हालेलुया अपने मुंह को खोल कर तारीफ करेंगे सभी लोग हालेलुया शुक्र करेंगे आज का धन्यवाद करेंगे आज परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा करेंगे उसके चरणों में Bye.
Oh,
Thank you.
से आप लोगों का स्वागत है। हालेलुया। बैठिए सभी, होगी सेटिंग, बस थोड़ा सा और इंतजार। हालेलुया। परमेश्वर ने किसी के जीवन में काम किया है। अभी पिछले हफ्ते में हाथ खड़ा करेंगे किस किस ने जीवन में काम किया है। आपका छोटा सा भी कोई काम, ऊंचे हाथ कीजिए, ऊंचे ऊंचे ऊंचे, भाई में से, भाई लोगों में से, आदमियों में से ऊंचे कर दो हाथ। अभी नीचे नहीं कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 काफी लोग हैं, है ना? और गवाही सिर्फ 4 लोगों की है मेरे पास। गवाही क्यों नहीं देते आप लोग? बड़ी खुशी से बता रहे थे हाथ खड़ा करके, है ना? गवाही क्यों नहीं देते आप? जब परमेश्वर आपके जीवन में काम कर देता है, वो शर्माता नहीं काम करता हुआ, फिर आपको किस बात की शर्म आती है? हाँ जी, कम से कम 17-18 लोग बैठे हैं हमारे बीच में जिनके जीवन में प्रभु ने काम किया और गवाही 4 लोगों की है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु हमारे कामों को कर दे? मैं मना करूंगी प्रभु को आज से। जो लोग गवाहियां नहीं देते, मना करूंगी, प्रभु जी नहीं करना है, वो सुन भी लेते मेरी सोच लो और ध्यान संगीत। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारा काम किया और हम उसको थैंक्स बोलने से शर्माते हैं। हम मुसीबत में पड़े थे, विपत्ति में पड़े थे, उसने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, हमारी मुसीबत को दूर कर दिया, है ना? और हम उसको धन्यवाद देने के लिए क्या करते हैं? शर्माते हैं, या जरूरी नहीं समझते कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, है ना? क्योंकि वो तो नौकर है हमारा और घर का चौकीदार है। सही है कि नहीं? सही है ना? मुंडिया ही नारे करें, हाँ सही है। किसी के बाप का नौकर नहीं लग रहा, ना मेरे बाप का, ना आपके बाप का। हालेलुया। वो परमेश्वर है, उसको नौकर ना समझो, ना उसे चौकीदार समझो। प्रभु मैं रास्ते में जा रहा हूँ, संभाल लेना, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। प्रभु रात को हम सो रहे हैं, तो बाहर चौकीदार करता बैठा रहिए, कोई चोर चलकता ना जाए, है ना? कोई घर का सामान चोरी करके ना ले जाए। क्यों भाई? चौकीदार है यीशु मसीह। हाँ जी बोलो। अरे बोलते भी नहीं है, है? नहीं है ना? प्रभु यीशु मसीह, मेरे घर में ये जरूरत है, मेरा काम हो जाना चाहिए, नौकर है। प्रभु मेरी तनख्वाह बढ़ जानी चाहिए, नौकर है। प्रभु मुझे कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए, नौकर है। प्रभु डॉक्टरों की रिपोर्ट नॉर्मल आनी चाहिए, नौकर है। प्रभु मेरा परिवार जुड़ जाना चाहिए, नौकर है। ठेका उठा रखा उसने, बोलो। नहीं उठा रखा, वो दया करता है, जानते क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। और बदले में हम क्या करते हैं? बदले में हम उसको धन्यवाद भी नहीं देना चाहते। सही है कि नहीं? अंदर से होता है, मन में कुछ होता ही नहीं, वर्गीय आत्मा तो, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काम से फर्क मतलब है, काम करता जाए यीशु मसीह, बाकी तू बाय बाय और टाटा। क्या है बोलो कलीसिया? बाय बाय। और जब सारे काम कर देगा ना यीशु मसीह, तब देंगे गवाही। वो कहता पहले एक कदम धन्यवाद तो कर दे, उसने कोई ठेका नहीं। अगर नहीं भी करे, मुझे कोई मार बुरा नहीं लगता। हालेलुया। अगर कर दे तो उसकी दया है हमारे ऊपर, अगर नहीं करे तो हम धौंस नहीं चबा सकते उसके ऊपर, क्योंकि हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिसकी वजह से उसका सिर ऊंचा हो। समझ आ रहा कि नहीं? हाँ जी, ये जरूरी होती है खुराक। ये जो कड़वी दवाई है ना, इसको खाने से ही चमड़ी होते हैं। अगर नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? बीमारी नहीं जाएगी। बोलो, हैं? अब
बीमारी का इलाज या बुखार हो गया ना बिना इंजेक्शन से नहीं ठीक हो सकता, इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा और आपको डर लगता है क्या करोगे, ठीक होने के लिए लगाओगे कि नहीं है? तो दांत को भी ना ठीक के पूरे समझ के खाया करो, हालेलुया, और सेट हो जाया करो, प्रभु आशीष दे सभी को, हालेलुया। इसलिए बताया जाता है आपको ताकि हम चलना सीख जाए और सही मार्ग पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। मुझे अभी आज ही प्रभु ने आप लोगों के लिए कुछ मैसेज दिया है, बीच में बताऊंगी। अभी जिनके भी जीवन में गवाही है जल्दी से फटाफट पीछे चले जाए टीम के लोगों के पास, टीम के लोग तैयार रहे, टाइम खराब ना करते हुए जल्दी से उठो। जिन्होंने अपनी गवाही लिखवाई है जल्दी से जाए फटाफट से, समझेंगे हम तो सोचेंगे। टीम के लोग जल्दी से लेके आना है अपने आगे, जिसके भी जीवन में गवाही है तैयार है, और बाकी जिनके भी जिंदगियों में काम करता है परमेश्वर वो अगले संडे जरूर अपनी गवाहियां लिखवाए। समझ आ रहा है? गवाही देने से, आपकी गवाही से पता नहीं किसका विश्वास बढ़ जाएगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की महिमा करके आप बताते हैं मेरे जीवन में प्रभु ने ये काम किया, ये समस्या थी, पता नहीं वो समस्या यहाँ बैठे हुए कितनों के जीवन में होगी, और आपकी गवाही को सुनकर परमेश्वर क्या करेगा, उनके विश्वास को बढ़ाएगा। वो सोच सकते हैं अगर हमारी समस्या को प्रभु दूर कर सकता है, इनकी को दूर कर सकता है, तो हमारी भी दूर हो सकती है। किसका भला होगा? दूसरे इंसान का। हालेलुया। किसके नाम को महिमा मिलेगी? परमेश्वर के नाम का। हालेलुया। और जब खुदा का नाम महिमा पाता है हमारी वजह से, तो प्रभु का वचन कहता है फिर मैं भी तेरे नाम की महिमा करूंगा अपने नाम की वजह से। समझ आ गया? अगर हमारी वजह से परमेश्वर का नाम महिमा पा रहा है, तो परमेश्वर के नाम की वजह से भी खुदा हमारी महिमा करेगा। हालेलुया। समझ आ रहा? किसी की गवाही नहीं है? तैयार रहा करें, बाकी के भी माइंड में रख जाए। कितने लोग अपनी गवाहियों को बांटते हैं अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने काम पर। हाँ जी, कोई बीमार है, दुखी है, सुनाते हैं, बताते हैं परमेश्वर के बारे में। नीचे कर दो, आशीष दे प्रभु आपको। फिर उनके लिए कितने लोग दुआएं करते हैं अपने घरों में आके, प्रभु हमने तेरे सुसमाचार को सुनाया, उनके जीवन में काम कर, दुआएं करते हैं दूसरों के लिए। कितने लोग दूसरों के लिए दुआएं करते हैं दूसरों के लिए? ऊंचे हाथ कीजिए खड़े ताकि मुझे पता लगे दूसरों के लिए। बाकी क्या क्यों नहीं करते? नूरी क्यों नहीं करती? बोलो हमें तो अपने से मतलब है, बाकी जाए पाड़ा मेरा भला हो जाए, दुनिया गई भाड़ में, है ना। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे ना, तो परमेश्वर उनकी आशीष आपको देगा। दूसरों के लिए अच्छा मांगोगे तो खुदा तो आपका अपना खुद ही अच्छा कर देगा। समझ आ रहे? हाँ जी पास्टर जी, ये माता जी का नाम बाला है और ये पुराना मिथ्या से आई है। माता जी बता रहे हैं कि आज से 2 महीने पहले इनको बहुत सीरियस चोट लगी थी, ये गिर गए थे और इनका पेट का मांस फट चुका था और ये बहुत परेशान थे, हॉस्पिटल में भी थे। लेकिन पास्टर जी आपसे लगातार प्रार्थना करवाई, लगातार ये चाहते रहे और प्रभु ने आपको मांस भी ठीक हो चुका, बिल्कुल इनको चंगा कर दिया, चंगा कर दिया। तारीफ करो, जोर से, जोर से। चोट लगी हुई थी, मांस फट गया था, हॉस्पिटल में भी एडमिट रह चुके थे, परमेश्वर के पास आए, इसके भवन में आए। हालेलुया। प्रार्थनाएं हुई और प्रभु ने इनको क्या कर दिया? चंगा कर दिया। हालेलुया। हाँ जी, अगली गवाही भी तैयार रखें। गीता कहाँ है? हालेलुया।
पास्टर जी ये आंटी सुरेंद्रो है और ये बुढ़िया से आई है और इनकी बहुत बड़ी दुआई है पास्टर जी। ये आंटी बता रहे हैं कि पिछले हफ्ते में इनके जवाई की तबीयत बहुत खराब थी, बुखार था और मतलब टाइफाइड था और प्लेटलेट भी कम हो चुके थे और इन्होंने यहाँ पर प्रार्थना करवाई। मंगलवार को 40 दिन की फास्टिंग प्रार्थना में आए और इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई और ये बता रहे हैं उनका फोन आया वो बिल्कुल चंग गया है। हालेलुया, तारीफ करो जोर से। कहाँ रहते हैं आपके जवाई? वो तो मस्कर है। अच्छा, वो वहाँ पर है, बुखार हो गया था उनके, जो आज गांव की भाषा में कहते हैं ना प्लेटा कम होगी, वो कम होगी थी इनकी। हमारी लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में तो उनको प्लेटलेट काउंट कहते हैं, सेल होते हैं, है ना। गांव वाले मैक्सिमम सारे ही बोलते प्लेटा खत्म होगी जी, कम होगी जी, प्लेटा खाने वालियाँ जिनमें रोटियाँ खाते हैं, थाली प्लेटा बस वही वाली कम हो गई थी। अच्छा फिर क्या करे थे डॉक्टर? अस्पताल में दाखिल होना पड़ेगा। हाँ, आप 40 दिन की प्रार्थना शुरू हो रही है, पता है सभी को चर्च के अंदर प्रेयर हो रही है, कितने लोग अपने घरों में उपवास रख रहे हैं, हैं? रख रहे हैं? ये अद्दे तो बेचारे हमारे, पता नहीं कौन सी दुनिया में एलियन आ रखे ऊपर से है, ये तो रह ही नहीं सकते भूखे बेचारे आते। वो 12 बजे तक ही रख लो, कुछ तो करो। दवाइयां खाने वाले हैं तो फ्रूट लेके दवाइयां खा सकते हो ना जी। हम तो पास्टर जी दवाइयां खावा है ना, वर्त नहीं रख सकते जी। दवाइयां चल रही वो तो सारी जिंदगी चलेगी तुम्हारी, जिनको आदत हो गई है दवाइयां खाने की, जो दवाइयों पे डिपेंड है उनका तो प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता। समझ आ रहा? तो कोई बात नहीं, खाते रहो, डॉक्टरों के पेट भरते रहो, क्या दिक्कत है, पर फ्रूट लेकर आप अपना उपवास रख सकते हो। 12 बजे तक का रख लो, 1 बजे का रख लो, उसके बाद खा लो रोटियां जितनी खानी है 10-12 है। कुछ ना करने से कुछ तो करोगे, कुछ तो हिलेगा शैतान का गढ़, सही है कि नहीं? आपके लिए बड़ा मैसेज आज बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। हाँ जी, फिर प्रार्थना, जब आप 40 दिन की प्रेयर में आए, प्रार्थना अटेंड की आपने, उनके लिए प्रार्थना हुई, उसके बाद वो ठीक हो गए, कोई एडमिट नहीं हुए। तारीफ करो जोर से। खुदा देखो कितना महान है ना, मैं तो जानती भी नहीं कौन बीमार, सगल भी नहीं देखी कभी, ये आंटी जानते हैं इनका जवाई और प्रभु सारा को जानता है। हालेलुया, और दुआएं करो और खुदा कहीं भी चंगा कर देता है। वो कितना प्यारा परमेश्वर है, वो कभी भी हमें दुखी नहीं देखना चाहता, और हम इतने प्यारे हैं, हम कभी याद ही नहीं करते प्रभु को। ओ भाई गुड़ो ना, थोड़ा टाइम और इंतजार कर लो। आंटी जी आप थोड़े आगे हो जो, क्यों गुस्से हो रहे हैं जी? अच्छा बैठी है कोई बात नहीं, उसको यहाँ बिठा देना। हाँ जी, जी बहन की है, ये बता रही कि एक डेढ़ से पहले इनकी जो देवरानी थी उसके दुष्ट छोटा बेटा था और दुष्ट आत्मा के अटैक से वो मर गया था। फिर इन्होंने कहा कि परमेश्वर मैं तेरे हमें गवाही दूं कि धन्यवाद की प्रार्थना, और इन्होंने कहा कि परमेश्वर उसकी गोद कुमार से भर जाओ बेटा हो। ये बता रही जैसे यहाँ प्रार्थना सिखाई जाती है वैसे इन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर के बेटे को देके दोबारा ब्लेस करा। हालेलुया, तारीफ करो जोर से। हमारे ऊपर ये वही बहन है जिसको प्रभु ने 10 साल के बाद प्रभु ने बच्चे की आशीष दी थी। हालेलुया, आज इनके पास प्रभु ने 3 बच्चे दिए हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, परिवार कंप्लीट। हालेलुया, तो खुदा ऐसे ही देता है अपने लोगों को। जब इनके घर में हो गए उनको खींच होने लगी, इनको श्राप देने लगी, तेरे बच्चे मर जाए, तू ये करती है, तू चली जाती, मेरा घर बसे भुलाना दिमागा। इस बेचारी ने दुआएं करी, हे परमेश्वर तू इसका दोबारा ते घर बसा दे, इसकी झोली भर जाए। क्योंकि खुदा के लोग दूसरों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए भी क्या करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। समझ आ रहा? आपको एक बात सिखाई जाती है, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, वचन सुनते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, और जो ग्लोरी, जो ग्रेस, जो एनाइंटिंग अभिषेक इस
ऊपर भी आता है, समझ आ रहा। फिर जब आप अपने घर में बैठकर प्रार्थनाएं करते हो, किसी के लिए मांगते हो, तो वो अभिषेक काम करता है, समझ आ रहा। अब इस घमंड में मत भर जाना, मेरी प्रार्थना के द्वारा ऐसा हो गया। एक आते एक दो है जिनको मैंने बताया था, रिश्तेदार है, एक आते के बता देना उनको, वो घमंड आत्मिक घमंड आ रहा है उनके जीवन में और शैतान उनको डुबा देगा, समझ आ रहा। ये ग्लोरी यहाँ से काम करती है और यही मसा जब आप अपने घर में दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं तो वो मसा काम करता है वहां भी, समझ आ रहा है। हालेलुया। अब कितने लोग जब दूसरी चर्चेस से आए या एक एक साल अपने घर बैठे थे, प्रभु को जानते थे, दो दो साल घर बैठे थे, प्रभु को जानते थे, लेकिन इस संगति के साथ नहीं जुड़े थे। और आपने पिछले दिनों में कितनी गवाहियां सुनी, हम दो साल से प्रार्थना करते थे अपने घर में ही बैठ के, बाइबल भी पढ़ते थे, उपवास भी रखते थे, लेकिन कभी हमारे बंधन नहीं टूटे। सुन लो ध्यान से, समझ आ रहा है। हम करते थे जी, प्रार्थना भी करते थे, बाइबल भी पढ़ते थे, पर कभी बंधन नहीं टूटे। जैसे हमने इस चर्च में आना शुरू किया, हमारे जीवन में काम बनने शुरू हो गए। कौन काम कर रहा है? उसका मसा, अभिषेक। हालेलुया, समझ आ रहा। अगर ऐसी बात होती तो फिर वो दो साल बैठ के जब प्रेयर कर रहे थे तब क्यों नहीं हुआ? हो जाना चाहिए था ना। फिर यहाँ पे आके क्यों बढ़ने शुरू हुए? इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारी ताकत और बल नहीं है। सारा दिन हम पाप करते हैं, है गुस्से से भरे रहते हैं, दिल में कड़वाहट भरी, गालियां देते हैं, चुगलियां करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, और रात को किसी के लिए अगर प्रार्थना कर दी और फिर वो प्रार्थना सुनी गई, हम घमंड से फूल जाते हैं। मेरी प्रार्थना सुन ली प्रभु ने, तुम्हारी प्रार्थना के पीछे वो परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है जहां से तुम बैटरियां चार्ज कर लेकर जाते हो। हालेलुया। ये आत्मिक घमंड है, और जिस इंसान के अंदर ये घमंड आ गया, थोड़े दिन वो फूलेगा, उसके बाद ऐसा निचोड़ के शैतान उसको फेंकेगा, उठा के वो उठने जोगा नहीं रहेगा। जिनको मैंने कहा था बता देना उनको शुद्धि में। हालेलुया। फिर क्या होता है जिन लोगों के साथ मैं देख रही हूँ, सच्ची कह रही आत्मा में, क्या होता है? वो लोग कड़वाहट से भर जाते हैं। किसके प्रति? पास्टरों के प्रति। पता क्यों? क्योंकि ये होता है कि कई बार पास्टर अगर उनका फोन ना उठा पाए, फिर ये कहते हैं पास्टर को फोन ही नहीं उठाते, जब भी फोन करो उनको फोन ही नहीं उठाते, ना एक उठाता ना दूसरा उठाता। तुम्हें पता है हम दो जने हैं और हमारे ऊपर इतना बर्डन है, बाहर का भी अंदर का भी, समझ आ रहा। ये तो खुदा की दया है जो हम संभाल रहे हैं, अदरवाइज हमारे बस की बात नहीं है। अगर तुम एक एक दिन हमारे साथ रह लो और हमारे कामों को देख लो, तुम ऐसे सिर पे हाथ धर के बैठोगे कि करते कैसे हो, समझ आ गया। अगर हम फोन भी ना उठा पाए तुम्हारा कभी, तो इसका मतलब यही नहीं कि तुम्हारे लिए प्रेयर नहीं हो रही है। ये जो 40 दिन भूखे प्यासे बैठे हैं, ये तुम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, समझ आ रहा है। तुम तो रोटियां पाड़ पाड़ के बैठे, 12 बजे तक भी तुम्हारे से बर्तन ही रखे जाते हैं। हमें तो शाम को मिलती 4-5 बजे रोटी, और सारा दिन बोलना है, और रात को 12 बजे फिर खड़ी हूं मैं प्रार्थना के लिए। जितने लोग जुड़ते हैं उस प्रार्थना में, उनको पता है कई बार इतनी थकावट हो जाती है कि सिर में हथौड़े बज रहे होते दर्द से, और जुबान बंद हो जाती है, गला बंद हो जाता है, इतनी दर्द, क्योंकि सारे दिन बोल रहे इंसान हूं। किस लिए? आप लोगों के, ताकि तुम लोग सुरक्षित रहो। हालेलुया। और हम घोड़े बेच के सोते हैं, पास्टर करें जो करना, समझ आ रहा है। कलीसिया जिस बहन के बारे में बोल रही हूँ, उसके अंदर आ रही है सारी बातें, गुस्सा आ रहा है, कड़वाहट आ रही है। हालेलुया। आप मैसेज दे देना उनको, जिनको मैं बोल रही हूँ समझ रहे होंगे। हालेलुया। तो ये शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है कि उनके जीवन को नाश करने के लिए, जहां से निकले वो वहीं वापस लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। तो बचना इन चीजों से। ये मसा, ये ग्लोरी यहीं से काम करती है, जहां पर आप आते हो बैटरियां चार्ज हो रही हैं, दो दो साल से बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, नहीं काम हुए, यहां से बंधन टूट रहे, इसका मतलब कि परमेश्वर यहां पर मौजूद है, वो काम कर रहे हैं। हालेलुया। तारीफ करेंगे इस गवाही के। माता जी का नाम प्रेमवती है और ये लाडवा से आई है। माता जी बता रही हैं कि उनकी एक फाइल थी प्रधानमंत्री आवास योजना की, ये बार बार ऑफिस के चक्कर काटते थे, इनका काम नहीं बनता था, वो घर का काम इनका धो रहा था, ये परेशान थे। फिर एक दिन क्या हुआ, उन्होंने पास्टर जी से बोला, और इन्होंने अपने घर की जो दुष्ट आत्मा की चीजें थी, पास्टर ने कहा उसको प्रार्थना करके उठा दो,
इन्होंने उठा दिया और उसके बाद अब इनकी फाइल आ चुकी है। परमेश्वर ने इनके घर का काम पूरा कर दिया। पैसे भी आ गए। कितने आए? 10 लाख। आ गया बैंक में? रहने कटवाई नहीं आ गया ना बैंक में? तारीफ करो। हालेलुया। सुनो, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो, उसकी संगति में आते हो, कुछ सीखने को मिलता है। क्या मिलता है? इसमें हुआ क्या था कि मैं तो काफी दिन से बोल रहा था कि जो शैतानी चीजें घर में उनको डाल देना, जमाना 2 महीने 4 महीने निकल के उन्होंने डाली। जब मैंने इनको बोला कि उसको डाल देना, जब डाली उसके 2-3 दिन के बाद इनकी जो वो फाइल में आने के पैसा आ गया अकाउंट में, बंधन टूटे। हालेलुया। जब तुम खुदा के सेवकों की कही हुई बात को मानते हो तभी काम होते हैं। अगर तुम नहीं मानते, जितना तुम देरी करते हो करवाते रहो प्रार्थना। अब खुदा के सेवक इनको गाइड कर रहे हैं, भाई परमेश्वर मुझे अगवाई कर रहे हैं कि तुम ऐसे काम ये काम करो। वन डे पता नहीं कौन सी सोच में होंगे, ऐसा करेंगे, क्या नहीं हो जाएगा, फलाना करेंगे, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। 2-2.5 महीने इन्होंने निकाल दिया, काम नहीं हो रहा, वो बंधन थे। लेकिन जब इन्होंने प्रभु के दास की बात को सुना और इन्होंने सेव किया, उसके 2 दिन के बाद ही वो फाइल इनके घर आ गई और अब बैंक में वो पैसा भी आ गया। तारीफ। कितने साल से रुका हुआ था? कितने टाइम से भर रखे थे आपने फॉर्म? कई साल। आइडिया? कोई आइडिया? 2 साल? नहीं, कितने साल? 2 साल, 4 साल, 6 साल? 3-4 साल हो गए थे। देख लो, समझ आ रहा? बात माननी, 2 दिन के अंदर वो 3-4 साल वाला काम कर दिया प्रभु ने। समझ आ गया? अब हम प्रभु के भवन में ही आएंगे तो पता कैसे चलेगा करना क्या है। तारीफ करो जोर से। सुनो सभी लोग, अब ध्यान से सुनो एक मैसेज आप लोगों के लिए। खत्म होगी गवाहियां, बैठ जाओ। हालेलुया। सभी लोग चाहते हैं परमेश्वर हमारे काम को करे। आवाज आनी चाहिए आपकी। बाहर वाले बातें ना करें, ओपन जियो बातें ना करो। ध्यान से सुनो, आपके पल्ले कुछ पढ़ने वाली बात बताना चाहती हूँ। सभी लोग चाहते हैं कि प्रभु आपके काम को करे। आवाज आनी चाहिए। आवाज आएगी तभी काम करेगा, पक्की बात। कितना चाहते हो कि जल्दी करे देरी से करे? जल्दी करे है? देरी पसंद नहीं? बोलो पसंद है। किस किस को देरी पसंद है? हाथ खड़ा करो। शाबाश। किस किस को देरी पसंद है? वेरी गुड, शाबाश। पीठ थपथपाने का दिल कर रहा है। देरी पसंद है तुम्हें? कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। बाहर वालों कितनों को देरी पसंद है? देर, काम हमारा लेट हो जाना चाहिए। कितनों को पसंद है? क्या होगा इन लोगों का? हे प्रभु, है देरी पसंद है तुम्हें? किस किस को पसंद है? हाथ खड़ा करेंगे देरी वाले। बुद्धि की कमी है तुम्हारे अंदर, मांगा करो खुदा से। है जिसको बुद्धि की कमी होती है ना, वो ऐसे फैसले लेते हैं देरी पसंद है जी। अभी मैं कह दूंगा तुम्हारा काम 10 साल नहीं करेगा प्रभु, रोना पीटना शुरू करो। अच्छा फिर तो कोई और ही जगह देखते हैं, बापा ढूंढ लेते हैं। कोई मूर्ख है तुम? तुम सोचते हो कल की बजाय प्रभु आज ही करते हैं, सोचते कि नहीं? फिर आप क्यों खड़ा कर देरी पसंद है? बड़े महान बनना चाह रहे मेरी नजर में? महान बनना चाह रहे मेरी नजर में? ना जी, हम तो पास्टर जी देरी वाले लोग हैं, देरी पसंद है। और दिल खोल के देखूं तो इतने जल्दबाजी में कि अभी 1 घंटा भी वेट नहीं कर सकते तुम। 50 बार तो मुंडियां पीछे जाती है, टाइम क्या हो गया घड़ी में? है नहीं पसंद है ना? बोलो, अगर बोलो लास्ट बार, देरी पसंद है कि नहीं? बोलो हमें देरी। आगे बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ये बोलेंगे इधर के सारे, बोलो इस गाड़ी पसंद है? नहीं पसंद है? फिर हो सकता कुछ बुद्धि लगा लिया करो हम बोल क्या रहे हैं। प्रभु कहते हैं जो बोलोगे
सामर्थ है। मूर्ख बन जाते हो तुम बेवकूफ, मेरी नजर में महान बने तेरी पसंद है जी पास्टर जी है। और अभी कह रहे कपड़े लेके अभी प्राण निकल जाएंगे दम। सुनो तुम्हें तेरी पसंद नहीं है ना, खुदा को भी तेरी पसंद नहीं है। पता किस बात के लिए बता दू, ये मैसेज सभी लोगों के लिए। संगति में कितने बजे आती है कलीसिया? ईमानदारी से मैक्सिमम तुम लोग 10:15, 10:30, 11:15, 11 बजे, 11:30 भी आते हैं। जल्दी में आते हैं। कुछ पॉइंट बोलूंगी, 2-4, 5 मिनट रोगी बस। समझ आ रहा है? आते हो कि नहीं आते हो? खुदा के भवन में जल्दी आ रहे हो? देरी से आ रहे? खुदा को नहीं पसंद है तुम्हारा देरी से आना। तुम्हारे जीवन में समस्याएं बहुत बड़ी हैं। सभी ध्यान से सुनो, समस्याएं बड़ी है ना। तुम उपवास नहीं रखते, आज नहीं कल रख लेंगे। संडे संडे को जाएंगे संगति में, वीरवार की संगति में नहीं जाने के, रात ज्यादा हो जाती है। समझ आ रहा है? तुम देरी कर रहे हो, खुदा भी देरी करेगा। कर लो, हालेलुया। अभी आज तो मुझे गुस्सा आ रहा है अपनी पड़ोसन पे, आज गालियां दे लूं कल से छोड़ दूंगी। क्या कर रहे हो? देरी कर रहे हो ना तौबा करने के लिए, खुदा भी देरी करेगा तुम्हारे कामों को करने के लिए। समझ आ रहा? आज दोस्तों से ज्यादा प्यार है, आज नहीं मैं उनको दुखी कर सकता, कल से छोड़ दूंगा प्रभु। करो देरी, ले लो बरकत है फिर देरी से। हाँ जी चर्च बोलो। आज ना उस लड़की का फोन आ गया था जी, आज आज बात कर लो बस, कल से छोड़ दूंगा, करो देरी। आज उस लड़के का मैसेज आ गया था, आज उसने मुझे बुला लिया था, रस्ते में जा रहा था, मैं मिल गई, फिर मेरी मजबूरी सी बढ़ गई उससे बात करने के लिए, मैंने आज बात कर ली। प्रभु कल से नहीं करूंगी, करो देरी। समझ आ रहा? आज इस आदमी ने मुझे परेशान कर दिया था, जबरदस्ती करने लग गया था, मां ले गए ढाबे में रोटी खिलाने, मैंने फिर बात कर ली। प्रभु आज आज माफ कर दिया, कल से नहीं करूंगी, करो देरी। बोलो, समझ आ रहा? फिर हम कहते हैं कि प्रभु देरी होगी। संडे संडे को ठीक है प्रभु, बड़ा लंबा टाइम हो जाता है संडे को भी, है ना, वीरवार को नहीं आ सकते प्रभु, मजबूरी है, करो देरी। प्रभु सारा दिन थक जाते हैं काम करके ना, रात की जो प्रार्थना शुरू की है 12 बजे की ना, उसमें नहीं उठ पाते प्रभु जी, आज सोने दे कल से करेंगे, करो देरी। हाँ जी, तुम अगर जल्दी में हो तो फिर परमेश्वर से जल्दी में उम्मीद क्यों रखते हो? जब तुम देरी कर रहे हो, खुद देरी कर रहे हो, फिर खुदा से क्यों जल्दी में उम्मीद रखते हो? ये मैसेज मिला तो मुझे आज आप लोगों के लिए प्रभु से, इसलिए मैं बता रही हूं। अगर आपको देरी पसंद नहीं है तो फिर आप खुदा के साथ क्यों धोखा धड़ियां करते हो? पाप छोड़ने में देरी, तौबा छोड़ने में देरी, तौबा करने में देरी, चुगलियां छोड़ने में देरी, व्यभिचार छोड़ने में देरी, संगति में आने में देरी, कलीसिया में जो है वचन प्रार्थना पढ़ने में देरी, उपवास करने में देरी। आज दिल नहीं है प्रार्थना करने का, सो जाते हैं कल करेंगे, देरी। आज वचन पढ़ने का दिल नहीं, आज थक गए, सारा दिन प्रार्थना में थे, संगति में थे, आज संडे के दिन को सो जाओ पढ़ के इस रात को, है ना, करते हो कि नहीं करते हो? बोलो, है ना। और खुदा से हम चाहते हैं खुदा सेकंडों में हमारे कामों को कर दे, है? मेरा बच्चा नशा नहीं छोड़ रहा, इतना टाइम हो गया चर्च में आते हुए, खुद तेरी कितनी मेहनत है, कितने घुटने टेकती है तू प्रभु के सामने, कितनी देर परमेश्वर के सामने बैठकर तू प्रार्थना करती है, कितनी तुम अपने बच्चों को लेकर डेली प्रार्थना करते हो शाम को रात को, कितनी तुम्हारा प्रार्थना का जीवन है, कितने वफादार हो तुम लोग संगति में, बीमारियां कैंसर की लेके बैठे हो, गोलियां खा रहे हो पैरासिटामोल बुखार की, चला जाएगा कैंसर, है जी, बोलो।
हम लोग आप लोगों के लिए रोते रहते हैं खुदा के सामने। कई बार आपकी समस्याओं को देखकर मैं इतनी डिप्रेशन में टेंशन हो जाती है, इतनी चिंता है, सिर फटने लग जाता है, रोती हूँ खुदा के आगे। इसलिए शायद आज ये खुदा ने बोला ये सिखाए इनको, ये जरूरी है इनके लिए। तो अपनी अपने अपनी सेहत को खराब ना कर, इनके लिए यही ठीक हो रखे हैं। हालेलुया हालेलुया। बच्चे नहीं सुधर रहे पास्टर जी, तुम कितने सुधरे हुए हो हैं? कितने भेजते अपने बच्चों को सर्दी में, बहाने हैं। हालेलुया। काम पे चले जा बेटे, कर्जा बहुत ज्यादा है, कर्जा भी उतारना है, काम पे जा। संडे को कोई बात नहीं, तेरी बदल मैं चली जाऊंगी, क्या दिक्कत है? फिर वो फंसते हैं विपत्ति में, फिर तुम पास्टर का दिमाग चाटते हो बैठ के। ये कलीसिया धोखी कलीसिया नहीं है, इस कलीसिया को वचन पर चलना ही पड़ेगा। जितने लोग, मैं इतने टाइम से आ रही हूँ प्रभु के भवन में, मेरा काम नहीं हो रहा। सुनो बाहर वालों, क्यों नहीं काम हो रहा? लड़ाई झगड़े छोड़े तुमने आपस में? हाँ जी, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े खत्म हुए? सास बहू की नोकझोंक खत्म हुई? नहीं हुई। चुगलियां खत्म हुई? नहीं हुई। बहू ने छोटा सा काम कर दिया, सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया। सास ने छोटा सा काम कर दिया, सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया। ये तो खत्म हुआ नहीं। और उम्मीद रखते हैं हम परमेश्वर से आशीष पाने की, सुधरने में भलाई है। कलीसिया बोलो, सुधरने में भलाई है। आज दारू पी लूं, कल से छोड़ दूंगा। 10 पियोगे कल, आज 2 पिए, कल 10 पैक चलेंगे। आज आज छोड़ दो पीने पीना, आज पी लूं, कल से छोड़ दूंगा। कभी नहीं आएगा कल, कल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब। समझ आ गया चर्च? हैं जी? संसार की अभिलाषा बड़ी अच्छी लग रही है। फोन पर एक घंटा प्रभु बिता लूं, है ना, उसके बाद प्रार्थना कर लूंगा। मजाल से कर पाओगे? लगो फोन पे, 12 बज जाएंगे तुम्हारे। अब प्रार्थना करने अब तो नींद आ गई, बस अब सो जाते, कल करेंगे। करो देरी, सुधर जाओ कलीसिया। सुधरने में भलाई है। नहीं सुधरोगे आपके जीवन में कोई काम नहीं होगा। हमें दोष नहीं देना और ना खुदा को देना है। गड़बड़ आपके अंदर है, आपकी मेहनत जीरो है, आपका काम जीरो, आपकी वफादारी जीरो। आप खुद देरी कर रहे हो अपने जीवन में काम को होने के लिए। आप लात मार रहे हो अपनी बरकतों को, क्या कर रहे हो? लात मार रहे हो आप। हालेलुया। अपनी आशीषों को लात मार रहे हो आप। और जब आप खुद लात मारोगे, नहीं सुने पापे वाला नहीं है, ले बहू दी दी बुढ़िया पकड़ बोल के पी लिए, पति के भी सिर में पा दिए, तेरे कब्जे में हो जाएगा। यहाँ नहीं चलता, यहाँ पाप छोड़ने पड़ेंगे, वफादारी से चलना पड़ेगा। स्टार्टिंग से लेकर अब तक यही शिक्षा है, जब तक इस संसार में रहेंगे सेवा करेंगे यही शिक्षा रहेगी। अच्छी लगती है अच्छी बात है, बुरी लगती है वो तुम जानते हो। हाँ जी कलीसिया, आ रहा भेजे में है, समझ आ रहा? बच्चे किस किस के सुधर रहे, कहना मान रहे हैं? हाँ जी, कपड़ों के बारे में कहा था मैंने, छोटे छोटे कपड़े पहनने छोड़े कि नहीं छोड़े लड़कियों ने? माता पिताओं की जिम्मेवारी है। हालेलुया, समझ आ रहा है? धीरे धीरे हमें परमेश्वर में अंश अंश करके बदलते चले जाना है। हालेलुया। एक बात बोलूं, अगर हम सुधर जाएं, पाप निकाल दें जीवन से, प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम अपने आप हो जाएंगे। तुम्हें पता भी नहीं होगा ये विपत्ति पड़ने वाली है, प्रभु पहले इंतजाम कर देगा उस चीज के लिए। अपनी गवाही बताती हूँ आपको, कल क्या हुआ? कल लाइट चली गई थी हमारी, शायद 12 बजे से जा रखी थी दोपहर से, हमने सोचा शायद वैसे ही चली गई होगी लाइट, ठीक है। अब सोच रहे आएगी आएगी आएगी, आई नहीं। रात के जब पास्टर जी आए 8:30 बजे, मैं कहीं लाइट अभी भी नहीं आई। बाहर देखा सारों की लाइट है, सिर्फ हमारे घर की लाइट नहीं है। अब करे तो करे क्या, एक दूसरे को फोन किया, इधर तारे देख रहे उधर देख रहे, नीचे मीटर देख रहे, सब कुछ, मीटर में भी लाइट नहीं है और तारे देख रहे हैं, कहीं से लाइट नहीं आ रही। बिजली वालों को फोन किया, 8:30-9 हो रहे थे, कौन आता है उस समय? कोई नहीं आएगा, सभी ने मना कर दिया।
हालेलुया। और शाम को शेंकी अचाने के आ गया घर से आटा लेके, हालेलुया। मैंने इसको कहा देख लो बाहर लाइट है, कह रहा जी बाहर को है लाइट, यही नहीं है। हम टेंशन में हो गए लाइट क्या हो गया, कहां गड़बड़ हो रही है, कुछ नहीं पता चल रहा, तारे चेक कर रहे हैं कुछ नहीं पता। दिमाग में आया ये जो मेन लाइन है इसको चेक करते हैं, पास्टर जी ने चेक किया इसमें करंट नहीं आ रहा। कह रहे जी खंबे के पास देख के करते हैं चेक, खंबे के पास गए तो वहां कुछ नहीं मिला, पता नहीं चला, हालेलुया। और जानते क्या हुआ था, पानी की एक बूंद तक नहीं थी घर में, बर्तन सब ऐसे पड़े, सब गंद ऐसा पड़ा था। और उसके बाद खंबा देखा वहां से भी कुछ पता नहीं चला। फिर दिमाग में आया इनके कि यहाँ पे जो ये घर है किसी का, इसकी छत पे चढ़ के देखते हैं, हालेलुया। जब वहां पे देखा तो वहां पे उन्होंने स्टार को देखा तो उसमें करंट आ रहा था, हमारे वाली में नहीं आ रहा था। प्रभु ने बुद्धि में डाल दिया, इसका मतलब कि उधर से लेके बीच में कहीं कट लग रहा है, तार जल गई है और वहां से तार जोड़ेंगे तो हो सकता है। इन्होंने तार उतारी, दोनों ने हमारे बस की तो बात नहीं थी, पास्टर जी खुद ही लग रहे हैं क्या करें, ना पानी है, सुबह संडे था, इन्वर्टर खत्म हो जाता, बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी, संडे का भरोसा नहीं, सुबह नहाएंगे कैसे, समझ आ रहा। तो वो तार नीचे उतारी, कट पता लगा, और मैं तो दुआ करने बैठ गई थी अंदर, हे प्रभु तू ही जानता है, हालेलुया। और डर भी लग रहा, और वो मेन तार है कि करें क्या करें। और जैसे तैसे करके हम सारे, मैं पास्टर जी शेंकी याशी, हम चारों ही बाहर थे, लगे पड़े तारों के पीछे, और जैसे तैसे करके वो तार जोड़ दी और लाइट आ गई। सुनो ये मेरा बताने का मकसद ये है, वो परेशानी हमारे जीवन में आ रही थी, अगर हम ये बैठ जाते ना चलो जी बिजली वाला करेगा आगे ठीक है, पता तो है ही नहीं कहाँ से करेगा, सही है ना। और आज संडे था, बिजली वाले ने भी नहीं आना था, बैठे होते इस टाइम गर्मी में, समझ आ रहा है। और खुदा ने मन में डाला और खुदा के दूत साथ लगकर उस काम को किया, यानी कि अगर तुम वफादार हो तो परमेश्वर आने वाली विपत्ति से पहले तुम्हें छुड़ा लेता है, समझ आ रहा है। हुई प्रॉब्लम सॉल्व की नहीं, अब तुम्हारे लिए तो ज्यादा नहीं लग रही होती बड़ी, क्योंकि आई नहीं, हमारे हमें पता है कि क्या होना था आज, समझ आ गया। तो देरी मत करो किसी भी चीज के लिए, संगति के लिए वफादार बनो, प्रार्थनाओं के लिए वफादार बनो, ठीक है, और अपने पाप छोड़ दो, पवित्रता में वफादार बनो, हर चीज में वफादार बनो, सब कुछ प्रभु ने आपके लिए रखा है, समझ आ गया। सबसे बड़ी खोज अनंत जीवन के लिए करो, स्वर्ग जाने के लिए। लालच मत करो, लोभ में मत पड़ो, नौकरियों के लालच मत करो, संडे को खास करके वीरवार की संगति रखिए, हफ्ते में दो, आजकल का वो समय अगर हर दिन भी संगति करें ना वो भी थोड़ी है, समझ आ गया। कम से कम दो संगतियां आ सकते हो जो नजदीक वाले हैं, दूर वाले भी आ सकते हैं, आते हैं उधर से हम इधर से ओ घूम के आते हैं, हर वीरवार को आते हैं, तुम लोग भी आ सकते हो, हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे, समझ आ गया देरी के बारे में। अगर तुम्हें देरी पसंद नहीं है तो प्रभु के लिए भी देरी मत करो, ठीक है। अगर तुम्हें जल्दी पसंद है तो तुम भी जल्दी काम करो खुदा के लिए, सब कुछ हो जाएगा। पूछो अपने पड़ोसी को, समझ आया, और क्या करना है आपसे, क्या करना है, जवाब दो, देरी नहीं करनी है, पता नहीं किस चीज में नहीं करनी, सारा ही बता दिया मैंने, ठीक है। प्रभु आशीष दे, आंखें बंद करो, प्रभु के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे, सभी अपने हाथों को उठाएंगे, अपना एक हाथ उठाए, राइट हैंड उठाइए, अपना एक हाथ अपने दिल पर रखिए और मेरे साथ कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह आज जो मैं सुनूं फल लेकर आऊं, और वो फल मेरी जिंदगी में हमेशा बना रहे, कोई भी शैतानी आत्माएं, कोई भी अंधकार की शक्तियां आज के वचन को चुराने ना पाए, मेरे दिल दिमाग पर अपना कब्जा कर लीजिए। खुदावंद पिता आज जो भी मैसेज प्रभु जी खुदावंद आपकी सेविका के मुंह से सुना देरी के बारे में, मुझे समझ आ गया है कि ये मैसेज प्रभु आपकी ओर से मुझे मिला है। आज प्रभु जी आपने मेरे दिल से बात की, पिता परमेश्वर आज से मैं फैसला करती हूँ, मैं फैसला करता हूँ, मैं जिस किसी भी काम में आपके कार्य में
ढिलाई नहीं बरतूंगा, देरी नहीं करूंगी। और प्रभु यीशु मसीह, आज से मुझे पता चल गया कि अगर मुझे जल्दी पसंद है तो आपको भी जल्दी पसंद है। खुदावंत पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में कार्य कीजिए। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मुझे पूरी रीति से अपने कंट्रोल में कर लीजिए। आज जो भी आपके दास वचन दे, बोलने वाले बोली, आपका आत्मा उनके अंदर होते बोले, जिन शब्दों की मुझे जरूरत है पिता परमेश्वर, वही शब्द आपके दास के मुंह से निकले। पिता परमेश्वर जी, अपने दास को धड़कते ही आपके शोला बनाकर इस्तेमाल कीजिए और बड़े गहरे गूढ़े भेदों को प्रकट कीजिए पिता। खुदावर पिता, आज के वचन से आप मुझसे बात कीजिए पिता, और मेरी जिंदगी की हर एक कमियों को दूर कीजिए और मेरे विश्वास को बढ़ाइए पिता। मैं अपने आप को पूरी रीति से आपके अधीन कर देती पिता परमेश्वर, मेरे अधर्म के कामों को देखकर नहीं, परंतु पिता परमेश्वर अपनी बड़ी दया को देखकर मेरी जिंदगी में कार्य कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। जब बोलते हैं जोर से बोला करो, ताकि शैतान को सुनाई दे वो भाग जाए आपके शब्द सुनकर। सभी अपने कॉपी पेन बाइबल निकालो। चलो लग जाए कहने को बोले तेरी क्या औकात है, किसी सांड को बोले तेरी क्या। हालेलुया, इंसान से ज्यादा बोझ उठा सकता है गधा। हालेलुया,
इंसान से पावरफुल होता है सांड, इसे बोल रहे तेरी क्या। जरा से सींग उसने हिला दिया ना, सिट्टी बिट्टी धूल हो जाती है तुम्हारी। हालेलुया, पता ही नहीं लगना कि तुम थे भी या नहीं थे। हालेलुया, सीधा फोटो पे चढ़ जाओगे। सांड अगर सींग मार दो कर देंगे फोटो में छप जाओगे तुम। हालेलुया, आज इंसान भूल गए कि इसकी औकात क्या है। हालेलुया, हमें पता होनी चाहिए हमारी क्या औकात है। हालेलुया, नोट करें वचन, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, पहला और दूसरा अध्याय अपने घर जाकर पढ़ने। थैंक यू जीसस। आज लोग इतने संसार में घुल हो चुके हैं ना, मस्त हो चुके हैं, वो इंसान आज परमेश्वर को भी बोलने लगे हैं तेरी क्या होगा। हालेलुया, परमेश्वर को बोलते हैं कि तेरी क्या औकात है। हालेलुया, परमेश्वर की औकात आज लोग भूल गए कि वो कौन है, वो जिसने सांसें दी। हालेलुया, आज पैसा आ जाए तो लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, आज फेम आ जाए, नाम आ जाए, मशहूर हो जाए तो आज परमेश्वर को लोग भूल जाते हैं कि उसकी क्या औकात है। हालेलुया, पाप में पड़ जाते हैं, भूल जाते हैं उसकी क्या औकात है। हालेलुया, ये जो जीवन है ना, जीवन इसको साफ रखना है। हालेलुया, कितनी बहनें बैठी हैं यहाँ पर, सब घर में काम करती है ना, अपने घर में अगर कचरा गिरा दे कोई, गंदा कचरा पड़ा है घर में, तो क्या करते हैं कचरे को, क्या करते हैं कचरे को, पड़ा रहने देंगे कचरे को, कितनी देर पड़ा रहने देंगे। जैसे आप कितना कचरे को फटाफट से झाड़ू से या हाथ से उठाकर आप बाहर डालेंगे या डस्टबिन में डालेंगे, कूड़ेदान में डालेंगे या बाहर कहीं बाहर फेंकाएंगे। हालेलुया, कचरे को फटाफट साफ करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने जीवन दिया है इसमें इतना कचरा भर जाता है, पाप कर करके कचरा भरी जा रहे हैं। तो इस जीवन का ख्याल ही नहीं रखते। घर में कचरा आएगा तो फटाफट से साफ करेंगे, अगर जीवन में कचरा है तो कोई चिंता नहीं करते जीवन की। अभी बता रहे थे प्रभु की सेवका की पाप, फोन नंबर, व्यभिचार, चोरी, डकैती, चुगलियां, निंदा, बुराइयां, तमाम तरह के बुरे काम करते हैं। अब जीवन में कचरा आ गया, घर के कचरे को तो फटाफट निकाल लेते हैं झाड़ू से, और इस कचरे को भी निकालना जीवन से। घर का कचरा निकालकर बाहर करोगे तो घर साफ रहेगा, मन का कचरा नहीं निकालोगे तो जीवन साफ नहीं रहेगा। बीमारियां, परेशानियां, कर्जे, रोग कभी खत्म नहीं होंगे। हालेलुया, वचन कहता तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है। प्रभु का आत्मा इसमें क्या करता है, वास करता है। हालेलुया, और अगर प्रभु का आत्मा इसमें वास करते हैं तो गंदी चीजें नहीं आनी चाहिए। हालेलुया, अगर तुम कचरे को लेकर आओगे, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, व्यभिचार, चोरी, गलत काम लेकर आओगे तो प्रभु इस मन के अंदर नहीं रहता। उस कचरे को निकालो तो प्रभु आएगा। हालेलुया, वो बादशाह आएगा, जब वो बादशाह आएगा आप उससे फरियाद करोगे, वो आपकी फरियाद को सुनेगा, वो आपकी डिमांड को सुनेगा, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, और सुनकर उसको क्या देगा, उत्तर देगा। हालेलुया, भगवान क्या होगा परमेश्वर, मेरे पास बहुत पैसा है। माइकल जैक्सन सुना किसी ने, माइकल जैक्सन का नाम मशहूर, फॉरेन का डांसर मशहूर। हालेलुया, उसके पास इतनी दौलत थी कि 7 पुस्तकों से भी खत्म नहीं, 100 पुस्तकों से भी खत्म नहीं, इतनी दौलत थी उसके पास। हालेलुया, और उसने अपनी सेफ्टी के लिए ऐसे ऐसे कमरे बनवा रखे थे, वहां ऑटोमेटिक ऑक्सीजन चलती रहती थी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की कमी भी ना हो। हर हफ्ते, हर रोज डॉक्टर, लाखों करोड़ों रुपए के डॉक्टर रोज उसके
जरा सी शुगर लेवल ना बढ़ जाए, बीमार नहीं ना हो, जरा सा शुगर लेवल ना बढ़ जाए, जरा सा इसको बीपी ना बढ़ जाए, कुछ भी हो तो तुरंत डॉक्टर खड़े होंगे। जैसे आजकल रोड पे चलते किसी को अटैक आने या किसी को सिंदर दो फटाफट उसके पास डॉक्टर रहते थे। बीमार नहीं था, स्वस्थ था, लेकिन करोड़ों रुपया उसने डॉक्टरों को दिया कि कभी कुछ जरा सा मुझे होने लगे तो फटाफट डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट करे और मुझे कुछ ना हो और मैं लंबा जीवन। माइकल जैक्सन ने उम्मीद करी थी कि वो 100 साल से भी ऊपर 200 साल जिएगा। इतना पैसा था कि वो चाहता था कि मैं एंजॉय करूं अपने पैसे, एंजॉय करूं, मौज करूं अपने पैसे। हालेलुया। वो भूल गया था उसकी औकात क्या। हालेलुया। सिलेंडर रखे ऐसे ऐसे घर बना रखे थे ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो करोड़ों में नहीं मिलेगी, वो ऑक्सीजन जो करोड़ों रुपए की उसने पूरा प्लांट लगाया हुआ था। ऑटोमेटिक ऑक्सीजन आ रही है घर में, एक मिट्टी का दाना भी घुस नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने ऊपर से हुक्म किया चल। हालेलुया। जवानी में मेरे ख्याल में 35 साल की उम्र के आसपास उसकी उम्र रही होगी, जवानी में ही वो मर गया और चला गया। हालेलुया। जो इंसान आज बोलते हैं परमेश्वर की क्या बात। आपने एक जहाज का नाम सुना होगा टाइटैनिक। किसने सुना टाइटैनिक जहाज का नाम? ये बुक्स में भी है, सभी ने सुना होगा। टाइटैनिक जहाज जब बना था 1800 में, मेरे ख्याल में जब वो जहाज बनाया था, इतना मजबूत और पक्का जहाज बनाने वाले ने बनाया था। हालेलुया। इतना करोड़ों रुपए पहला जहाज वो बना था, इतना मजबूत जिसमें अरबों रुपए लगा था, 1500 से भी ज्यादा लोग उसमें सवार थे, VIP लोग थे, और वो जहाज एक बड़ी यात्रा के लिए निकलने वाला था। हालेलुया। जब वो जहाज बड़ी यात्रा के लिए निकलने वाला था ना, किसी ने मीडिया वाला है पूछा, कहते जी आपने इतना मजबूत जहाज बना दिया, इतना अच्छा जहाज देखने में क्या सुंदर लग रहा है, करोड़ों अरबों रुपए लगा दिया, क्या कहना चाहेंगे आप इस जहाज के बारे में? कहता है अगर परमेश्वर भी आ जाएगा ना, सच्ची घटना बता रहा हूं, कहता अगर परमेश्वर भी आ जाएगा चाहेगा तो भी मेरे जहाज को डुबो नहीं सकता। हालेलुया। अपनी पहली ही यात्रा में एक या दो दिन बीते थे, वो जहाज टक्कर लगा, एक जो जहाज का जो नीचे का सिरा होता है ना, ऐसी किश्ती सी बनी होती है, सामने बर्फ का तकड़ा होगा पहाड़, उन्होंने सोचा छोटा सा टुकड़ा, कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कहता है तोड़ देगा मजबूत जहाज है, चिंता ना करो ले चलो। हालेलुया। एक छोटे से बर्फ के टुकड़े में वो जहाज टकराया और टकरा कर नीचे से उसका वो जो बैलेंस है खराब हुआ, फूट गया, पानी अंदर घुसा, सारे लोग मर गए उसमें। हालेलुया। कुछ बच्चों ने एक दो गिने चुने जिन्होंने गवाही दी। हालेलुया। क्या कहता मालिक? कहता अगर परमेश्वर भी आ जाएगा तो जहाज को डुबो नहीं सकता। क्या वो ये धारण कर रहा था? मेरे नॉलेज के सामने, मेरी बुद्धि के सामने, मेरी बुद्धि से मैंने जहाज बनाया, मेरे पैसे से मैंने जहाज बनाया, परमेश्वर की औकात नहीं कि जहाज को डुबो सके। हालेलुया। और पहली ही यात्रा में टाइटैनिक पहले दिन क्या हो गया? डूब गया, अरबों रुपया नाश, VIP लोग मरे थे उसमें यात्रा करने के लिए, बड़े लोग, आम लोग या छोटे लोग तो छोड़ दो, मीडियम तो छोड़ दो, बड़े बड़े VIP लोग उसमें यात्रा करने के चले थे ताकि नाम हो कि पहली यात्रा है हम इस जहाज में थे, लेकिन सारों के नाम कहां छप गए? फोटो में। को तेरी क्या होगा? दिखाई उसे लाल कपड़ा, दिखाई उसे सिर, वो बताएगा तुम्हें फोटो में छुपा देगा। हालेलुया। एक बंदे के मुंह से निकले हुए गलत शब्द की परमेश्वर भी आ जाए इस जहाज को डुबो नहीं सकता। हालेलुया। वो गलत निकले हुए शब्द जहाज में जितने भी थे लोग सब फोटो में छप गए। हालेलुया। लोग बोलते हैं परमेश्वर के क्या उतार, परमेश्वर यहां रहना चाहता है मेरे प्रियो, इसको साफ कर लो मन को,
या तो धर्म बदलना या जात बदलने को नहीं बोला जाता, यहाँ मन बदलने को, जीवन बदलने को, जीवन को साफ सुथरा रखने को बोला जाता है। हालेलुया। धर्म नहीं बदलता, यीशु जीवन बदलता है। धर्म नहीं छोड़ता, पाप छोड़ दे। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? पाप छोड़ दे। लोग बोलते हैं परमेश्वर की क्या बात, परमेश्वर की औकात देखनी हो तो बाइबल का उत्पत्ति का पहला अध्याय खोलो, पढ़ो। क्या लिखा है वहां पर पढ़े जाए। लोग बोलते हैं परमेश्वर की क्या औकात, ये परमेश्वर ने बनाया सब कुछ। जो बाइबल नहीं पढ़ते तो ध्यान से सुने, पहला चैप्टर आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेंडोर और सुनसान पड़ी थी, तब तथा गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो, परमेश्वर ने कहा, उजियाला नहीं था पहले। हालेलुया। क्या करता था परमेश्वर का आत्मा? पानी के ऊपर क्या करता था? मंडराता था। इंसान नहीं बने थे तब। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो क्या हो गया? उजियाला हो गया। आगे क्या हुआ? और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। उजियाले को परमेश्वर ने क्या कहा? ये क्या हो गया अभी? ये किसने कहा था? ये किसने कहा तो हो गया। और उस परमेश्वर को बोलते दिन क्या होगा? हालेलुया। उस परमेश्वर को बोलते हैं, उसने कहा बुरे काम, अरे जिसने दिन रात बनाए, तुम्हें बनाया जिस परमेश्वर ने, तुम पाप करके तुम, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ परमेश्वर को कि परमेश्वर क्या क्या होगा। जब तुम पाप करते हो ना तो तुम्हारा जीवन ये बोलता है कि परमेश्वर की क्या होगा। तुम पाप करके खुदा के मंदिर को क्या कर रहे हो? नाश कर रहे हो। और उसे बोल रहे हो कि तेरी क्या औकात है। हालेलुया। आगे क्या हुआ? और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। ये बाइबल के अनुसार दिन बने हैं। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, सूरज चांद सितारे बनाए, दो बड़ी ज्योतियां चांद और सूरज बनाए, तारे बनाए, पृथ्वी बनाई। हालेलुया। पानी को ऊपर के जब पृथ्वी पर पानी था उसको अलग किया, समुद्र के पानी को अलग किया, समुद्र और ये आसमान पृथ्वी को अलग किया, ऐसे ऐसे करके दिन बना, दूसरा दिन बना, तीसरा दिन बना, पेड़ पौधे बनाए, आकाश के पक्षी बनाए, जीव जंतु बनाए, जानवर बनाए, आखिर में कौन बनाया? कौन बनाया? इंसान को बनाया इन सब पर अधिकार देने के लिए। सब रचना को परमेश्वर ने बनाया इंसान। आप सब परमेश्वर की क्या सर्वश्रेष्ठ रचना है। परमेश्वर ने आप लोगों को बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आप लोगों को, तो अपनी सूरत पर घमंड मत करना, अपने पैसे पर घमंड, अपने नाम पर घमंड, अगर घमंड करे तो इस बात पर करे कि हम परमेश्वर को जानते हैं और समझते हैं कि वही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी फरियाद को सुनने वाला हो, आपकी आवाज को सुनने वाला हो। इंसान बोलते हैं तेरी क्या औकात। हालेलुया। पौलुस जब खुदा के लोगों को मारने के लिए जा रहा था, हालेलुया, खुदा के लोगों को मार रहा था, सता रहा था, पीट रहा था, नाश कर रहा था, हालेलुया, पौलुस जब चला जा रहा था प्रभु के लोगों को मारने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि हमारे परमेश्वर की औकात क्या है। हालेलुया। घर से निकला तो था प्रभु के लोगों को मारने के लिए, लिखना निकला था प्रभु के लोगों का विरोधी बनकर। हालेलुया। जब सामना खुदावन यीशु से हुआ तो विरोधी को परमेश्वर ने अपना फॉलोअर बना लिया। हालेलुया। जो प्रभु के लोगों को मारने चला था वो प्रभु का सहयोगी बन गया, प्रभु का काम करने वाला, प्रभु का चेला बन गया। हालेलुया। ये है खुदा की औकात। हालेलुया। जा रहा था प्रभु के लोग,
लोगों को मारने के लिए, लेकिन रास्ते में जब खुदा की ज्योति चमकी, वही पौलुस लोगों को मारने के लिए चला था, रास्ते में उसका मन बदल दिया प्रभु ने, वही प्रभु का क्या बन गया? फॉलोअर, चेला बन गया। हालेलुया, ये है खुदा की औकात। प्रभु के लोगों को वचन कहता है, तुम अगर मुझे चुनते हो, मेरे बच्चों को चुनते हो, तो मेरी आंख की पुतली को, हालेलुया, शैतान की मजाल ही तुम्हें छू सके, अगर वो छूना चाहेगा तो कामयाब नहीं होगा। हालेलुया, किन लोगों के लिए? जो अपनी औकात में रहते हैं। हालेलुया, जो परमेश्वर को स्मरण करते हैं। अगर वो टाइटैनिक जहाज का मालिक ये ना बोलता कि अगर परमेश्वर भी आ जाए तो जहाज को डुबो नहीं सकता, तो जहाज नहीं डूबता। हालेलुया, तुम्हारे बाइबल में लिखा है, तुम्हारे मुंह में क्या है? सामर्थ्य है, जो बोलोगे वही हो जाएगा, और वो हो गया। हालेलुया, डुबो नहीं सकता। परमेश्वर कह रहे कि तेरी क्या होगा? अरे बुद्धि किसने दी है? हालेलुया, किसने दी है? नई टेक्नोलॉजी आ गई, जहाज बड़ा अच्छी टेक्नोलॉजी में, लेकिन डूब गया। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने जहाज बनाया, डूबा था? डूबा जहाज नूह ने बनाया था पुराने समय में, जहाज बूंद भी पानी के अंदर नहीं घुस रही थी, इतना पक्का स्ट्रॉन्ग जहाज था। क्यों? परमेश्वर ने बुद्धि दी। जब दी तो खुदा ने बोला, खुदा को बोला, खुदा तेरा धन्यवाद, तू ही संभालेगा। हालेलुया, तू ही पानी से बचाएगा। कितने साल वो जहाज पानी में रहा। हालेलुया, और प्रभु की दया अगर रहे तो आप पानी में के अंदर एक साल से भी ज्यादा वो जहाज रहा। परमेश्वर ने उनको खिलाया, उनकी मौज मस्ती सब चीजों का सामान नहीं पड़ता। हालेलुया, अच्छा जीवन वो जिए, भर पड़े वहां हरियाली नहीं थी, कुछ नहीं थी, लोग मर गए, लेकिन वो नहीं मरे, उनका जहाज नहीं डूबा। क्यों? तो उस जहाज में कौन था? परमेश्वर था, उसकी प्रेजेंस थी, उसके लोग थे। हालेलुया, उन्होंने नहीं कहा कि अब तो परमेश्वर भी आ जाए तो जहाज को। हालेलुया, उन्होंने कहा परमेश्वर अब तो तेरी ही दया है, छोटे छोटे जहाज लोगों ने किश्तियां बना रखी थी, उनकी डूब गई। उस समय लोग किश्ती में चढ़े हो गए जब बारिश हुई, उनकी किश्तियां डूब गई, लेकिन नूह का जहाज नहीं डूबा। क्यों? क्योंकि खुदा उसके साथ था। हालेलुया, मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, अपनी औकात को अपनी औकात में, कहते हैं ना, तेरी क्या औकात। हालेलुया, अपनी औकात में रहने, परमेश्वर कहता है अपनी औकात में रहे, पापों से दूर रहे, कहीं मेरा गुस्सा तेरे ऊपर ना पड़े, तो मुझे जान कर भी पाप कर रहे, फिर पापों के लिए कोई भी बलिदान बाकी, फिर तो यीशु की मृत्यु को जो उसने तुम्हारे लिए खून बहाया, तुम व्यर्थ ठहरा रहे हो। हालेलुया, सारे दिन उसने बनाए, सारी मनुष्य जाति उसने बनाए, सब पेड़ पौधे, आज का तुम चीजें देखो, क्या फूल है, क्या पक्षी है, क्या ये चीज बनाई है परमेश्वर की बुद्धि से, सब कुछ परमेश्वर ने रचा है। हालेलुया, अगर तुम घमंड करोगे तो घमंडी को परमेश्वर नीचे गिरा देता है। हालेलुया, घमंड नहीं करना है, प्रभु की दया को मांगना, अपने हाथों को उठाकर बोले परमेश्वर मैं तेरी दया को मांगता हूं, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। हाथों को उठाकर धन्यवाद यीशु बोलते हैं, आपको बचाने वाला, आपको सांसें देने वाला यीशु मसीह
हमें उससे ही आस है, वही हमारे कामों को कर सकते हैं। तुझसे ही तो आस है मुझको, 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 करता हूँ मैं दुआ।
यह होमवर्क है। क्या है? क्या होमवर्क है? मेरे तुम्हारा कंट्रोल उसके हाथ में है।
बात को कभी मत भूलो। हालेलुया। बाइबल में वचन लिखा हुआ है, कहता है एक इंसान आया। हालेलुया। एक इंसान आया, एक बंदे को मिला, कहता है उसने उससे कर्जा लिया था। हालेलुया। 1,000 का कर्जा लिया था। जब बंदे को मिला किसने मुझसे कर्जा लिया था, तो आया उसको पकड़ दिया उसने, कहता भाई तूने कर्जा भी जब उससे 1,000 का लिया, कहता भाई दे दूंगा, चिंता ना कर, दे दूंगा, जल्दी लौटा लो, कहता ना ना दे मुझे, मुझे चाहिए, कहता भाई बस थोड़ी सी मोहलत दे, मैं भर दूंगा, चिंता ना कर, मैं भर दूंगा, पक्का प्रॉमिस भर दूंगा। उसने उस पर दया कर दी और उसे क्या कर दिया, उसने रिक्वेस्ट कर उसे छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उससे 1,000 देने थे, उसने रिक्वेस्ट करी दे दूंगा जल्दी, मैंने उसे छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। और उसके आगे उसने किसी से 100 रुपए लेने थे, उसको वो बंदा मिलेगा, कहता भाई मैंने 100 रुपए लिए तूने, कहते लौटा, कहता नहीं आज ही दे, कहता भाई दे दूंगा थोड़ी सी मोहलत दे दूंगा, कहता ना ना देने पड़ेंगे आज ही देने पड़ेंगे, कहता भाई अभी है नहीं, प्रॉमिस मैं तुझे दे दूंगा, पक्का कह रहा दे दूंगा। हालेलुया। उसकी बात नहीं सुनी, कहता सिर्फ पकड़ो और क्या कर दो, क्या करो, कूटो, मारो, पीटो और इसे कॉन्ट्री में डालो। हालेलुया। अब ये सब मैटर होते हुए कौन देख रहा था, उसका सेवक देख रहा था, मतलब मेरा सेवक कोई देख रहा था कि मैंने इसका कर्जा माफ कर दिया जो 1,000 था, लेकिन इसने किसी से 100 लेने थे, इसने उस पर मालिक ने दया दिखाई, लेकिन इसने उसके ऊपर दया नहीं दिखाई, केवल 100 रुपए इसने रिक्वेस्ट करी, मालिक ने इसको मोहलत दे दी, प्रॉमिस किया, उसने भी प्रॉमिस किया कि मैं दे दूंगा 100 रुपए, कोई नहीं चिंता कर दे दूंगा, लेकिन दया नहीं कर, उसे मारा, पीटा, कूटा, ये सब बातें मेरा कोई सेवक देख रहा था दोनों, उसने सेवक को बताया, सेवक ने उसे बुलाया, कहता भाई इधर आ, कहता मैंने तुझसे ज्यादा लेना था। हालेलुया। तुझसे ज्यादा लेना था, मैंने तुझसे लेना, तूने रिक्वेस्ट करी, मैंने तेरे को मोहलत दे दी, माफ कर दिया, कोई नहीं दब धोगे दे, लेकिन जब तेरे आगे तो तूने जिससे लेना था थोड़ा लेना था, तुमने उस पर दया नहीं दिखाई, जरा भी तुमने उस पर दया नहीं दिखाई। हालेलुया। स्वामी ने क्या कहा, कहता इसको ले जाओ और कहां पर डाल दो, नरक के कुंड में डाल दो, जहां पर रोना और दांतों का पीसना, इंसान भूल जाता है उसकी औकात क्या। हालेलुया। तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनकों को देखता है, अपना लट्ठा तुझे नजर नहीं आता, फलाने को कह रहा है भाई दारू छोड़ दे, आज लगा रखी है नीचे, और उसको टल्ली रहता है सुबह से शाम तक, मैं नजर में टल्ली है, जाते थे ना पहले, छोड़ दो कुछ नहीं लगता है तुम्हें। हालेलुया। टल्ली नए है कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे धीरे धीरे, उन पुरानों की बात कह रहा जो अभी भी टल्ली है। हालेलुया। उनको नहीं कह रहा मैं छोड़ रहे, हम छोड़ते जा रहे हैं, छुट रही है उनकी, कम हो रही है, सुधर रहे, उनको कह रहा हूं जिनका एक पैग था 2 हो गए 2 से 4 हो गए, स्टेबल है, छुट नहीं रहे, कोई चेंज नहीं इनके जीवन में। हालेलुया। खुदा कहेगा तुम्हें मौके पे मौका दिया, पर तुमने मौके पे भी चौका मारा। हालेलुया। दोस्त आएंगे तुम्हें बहकाने, आ जा पैग लगाते हैं, लड़की का फोन आएगा, क्या बात, याद नहीं कर, हाँ सोच ही रहा तेरा फोन आ। हालेलुया। तू नहीं क्या, तू नहीं ऐसा खुदा जो खुश होता है बुराई से, तू उसको जड़ से काटेगा जिसने झूठ दिखाई दे, तू है
वो चाहता है जैसे वो प्रभु तुम पर दया करता है, तुम भी अपने मांगने जो जिससे तुमने लेना उस पर क्या दिखाओ, दया दिखाओ। क्योंकि वचन कहता है जो दया करेगा उस पर क्या की जाएगी, जो कठोर बनेगा परमेश्वर उस पर क्या हो जाएगा, परमेश्वर उस पर दया करेगी स्वामी, लेकिन उसने आके दया नहीं दिखाई, उसका ज्यादा था जो देना था, स्वामी ने दया दिखाई या माफ भी कर दिया, लेकिन उसने जो आगे जरा सा लेना था उसने दया नहीं दिखाई, उसने अपनी औकात दिखाई। हालेलुया। जब औकात दिखाई तो नरक के कुंड में जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। हालेलुया। पौलुस निकला था प्रभु के लोगों को मारने के लिए, लेकिन पता नहीं था औकात क्या है परमेश्वर की। हालेलुया। जब खुदा के लोग क्या कर रहे थे, ऐ खुदा मैं सुबह सवेरे दुआ, ये कोड इसी गीत पे कोड लेकर अलग कुछ मत लेकर। हालेलुया। ऐ खुदा मैं सुबह सवेरे दुआ परमेश्वर की औकात किया, लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे, ये गीत अपने होमवर्क का अपने गाने का जाकर गुनगुनाने कि है खुदावन सुबह सवेरे मैं क्या करूंगा, है यकीन ये मुझको तू मेरी दुआ सुनेगा। कोई नहीं मानने, हाँ वो चुपचाप बैठता है, अगर तुम पाप करोगे और संकट आएगा वो कुछ नहीं करेगा, वो ऐसे पड़ जाएगा, वो कहेगा मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, ना 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 कुछ नहीं करूंगा, पीठ फेर लेता है। अगर तुम पाप करते हो और मुसीबत आती है प्रभु से एक्सपेक्ट कर दो, प्रभु पीठ मोड़ देते हैं ऐसे, लेकिन अगर तुम धर्मी हो तो ऐसी आंखें गड़ी रहती हैं। हालेलुया। कहता है कोई भी दुख, भजन संहिता 91 में लिखा है, कहता है अगर तेरा चाल चलन यहोवा को भाया, कोई भी दुख कोई भी समस्या कोई भी रोग तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, तेरे दाने हजार तेरे भाइयों 10,000 गिरेंगे, कोई भी पंक्ति कोई भी शैतान तुझे छू नहीं पाएगा। हालेलुया। क्यों नहीं छू पाएगा, क्योंकि तू किसका कहलाता है, यहोवा का। खुदा की नजर तुम पर लगी रहती है कि कोई बीमारी आ रही है खुदा बचाएगा। हालेलुया। कोई समस्या आ रही है खुदा बचाएगा, कोई अटैक आ रहा है, कोई एक्सीडेंट, शैतान तुम बाइक पर जा रहे हो, शैतान ने एक्सीडेंट रखा है तुम्हारे लिए, रखा है शैतान ने, पर कामयाब नहीं होगा अगर तुम दुआ करूंगा। मुझको तो मेरी दुआ सुनेगा, कब सुनेगा, एक एक्सीडेंट आ रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हें मारने के लिए, तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए। हालेलुया। अगर दुआ है तो एक्सीडेंट कैंसिल होएगा, आएगा प्रभु बोलते हैं
निकल यहां से, अभी तेरा कोई काम नहीं। हालेलुया। लेकिन अगर तुम सही नहीं हुए तो खुदा जब नजरें मोड़ लेता है आपसे तो दूध हट जाते हैं, एक्सीडेंट आता है और नुकसान करके जाता है। रीजन ये होता है कि हमारे जीवन से खुदा खुश नहीं है। अगर थोड़े नुकसान हो गया खुदा की दया समझो कि छोटे में कर गया, आगे अपने जीवन को सेट करते हैं। हालेलुया। मैं तेरी रहमत से तेरे घर आऊंगा, पाप बुराई गलत काम ये नहीं सिखाया जाता। जीवन में कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, कैसे तुम सुरक्षित रह सकते हो ये सिखाया जाता है। ये सिखाया जाता है जब तुम सुबह सवेरे दुआ करके उठोगे, अपने दिन की शुरुआत करोगे तो पूरे दिन पर वो तुम्हारी क्या सुनेगा। दुआ, हालेलुया। कोई मुसीबत आने वाली होगी अगर दुआ करके निकले सुबह, है यकीन मुझको तो मेरी, बोले क्या सुनेगा, व्यर्थ हो जाती है जब तुम्हारे जीवन से पाप नहीं छोड़ते हो। फुक्की प्रार्थनाएं सुनिए, फुक्की। एक तो तुमने वो दिवालियों पे पिस्टल आती है ना, बंदूकें आती है, पटाखे आवाज ऐसी होती है जैसे गोली चली है। आजकल मॉडर्न भी ऐसा है जैसे असली लेके घूम रहे हो। हालेलुया। बंदूक दिखने में सेम है, एक में गोली है, एक में पटाखे। दोनों के सामने अगर तुम्हें खड़ा किया जाए तो पटाखे वाली ठक चलेगी, अब डरोगे तो, लेकिन असर कुछ होएगा, नुकसान कुछ नहीं। शैतान भी तुम्हारी फुक्की प्रार्थनाओं से डरता नहीं है, उसे पता है कि अंदर कुछ है नहीं, पाप करते हैं, करप्ट है। वो जितनी मर्जी दुआ कर ले वो सुनेगा नहीं, उसे पता प्रभु कोई उत्तर नहीं मिलने वाला प्रभु से। शैतान को पता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर मिलने वाला नहीं, क्यों, क्योंकि दिन में तुम लड़कियों के साथ सो रहे हो, अपनी पत्नी होते हुए किसी और के साथ गलत काम कर रहे हो, तुम जहां काम करते हो ठगिया कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, भेद मार के आ रहे हो, गलत काम कर रहे हो। हालेलुया। उसे पता है रात को कर रहे हैं फायर फायर फायर, बंदूक कौन सी कर ली, पटाखे वाले पटाखे तो बज रहे रखे दो, लेकिन असर कुछ नहीं हो रहा, समझते हो। दिवाली वाली बंदूक में और असली वाली बंदूक में क्या फर्क है। हालेलुया। अगर प्रार्थनाओं की स्ट्रांग, खुदा में वफादारी के साथ चलते होंगे, गलत काम नहीं अच्छे करेक्टर के साथ अच्छा जीवन खुदा में बिता रहे होंगे, प्रभु की इच्छा के साथ चल रहे होंगे, जब रात को करेंगे फायर, शैतान को लगेगा जब असली बंदूक चलती है ना, सेकेंडरी लगता बंदा सांस छोड़ देता है। हालेलुया। जब तुम्हारी प्रार्थना कपट रही होगी, सच्चे मन से होगी, प्रभु को खुश करने वाली होगी, तो खुदा के सामने जब तुम बैठोगे और होली
जब जीवन साफ होता है, दिन भर में पवित्र भाई के साथ चले, दुआ करके सुबह उठे, दुआ करके सो रहे। अभी 4 दिन पहले गांव में हमारे ताऊ जी उनमें से रात को सोए अच्छे खासे, 4 बजे उठे, जरा सा दर्द हुआ, बच्चे डॉक्टर के पास लेकर गए, अटैक हुआ और मर गए। हालेलुया। सोते सोते बताओ किसी ने कुछ किया, स्वस्थ बन गए, ज्यादा उम्र नहीं थी। हालेलुया। लेकिन अगर तुम खुदा में सही हुए, शैतान आएगा, वो तुम्हारी वो पटाखों वाली बंदूक से नहीं डरता, हो उसे पता है इसके अंदर क्या भरा हुआ है। पटाखे पटाखे भरे किसने? शैतान ने पाप करवा करवा के पटाखे भर दिए अंदर। पटाखे फायर तो करोगे, असर कुछ नहीं होगी, सामने कुछ नहीं असर होने वाला। जिसपे टक करके बच्चे चलाते करते ना, बच्चे चलो खेलते छुपा छुपाई बंदूक से। हालेलुया। लेकिन जब असली चलेगा फायर होएगा। हालेलुया। शैतान वहां नजर भी नहीं आएगा, उसे पता है ये बंदूक, ये प्रार्थना असली है, ये असली खुदा के लोग हैं, ये असली चर्च में जाने वाले खुदा के फायर से भरे हुए लोग हैं। हालेलुया। खुदा की फायर से जब तुम भरोगे तो शैतान भी फायर हो जाएगा, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे परिवार में हम दिख नहीं पाएगा। हालेलुया। शैतान को पता है तुम्हारी औकात क्या है। हालेलुया। उसे पता इसके अंदर क्या भरा है। हालेलुया। प्रार्थनाएं भरी होगी, अच्छा कैरेक्टर होएगा, बाइबल प्रार्थना उपवास संगति पवित्र भाई के साथ चलने वाले होने वाले आप होंगे, खुदा के साथ वफादारी के साथ चलने वाले। शैतान को पता इसके पास मत रखना, दूतों को बोलेगा इसके पास मत जाना, अभी मेरे दूत गम हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। हालेलुया। ओ देखो दूजा मसीह उठे जा, ओ देखो वो लड़कियां भी छेड़ के, हालेलुया, चोरी भी करता है और ठगिया भी करता है। हालेलुया। और वो पकड़ उठे जाओ, उठे पैरा लगाओ, कोशिश करियो ये संगति अच्छी संगति में ना जाने पाए, कोशिश करना कि प्रभु के पीछे सच्चाई के साथ ना चलने पाए। हालेलुया। कोशिश करना कि ये क्या ना करने पाए। बाइबल प्रार्थना उपवास संगति पवित्रता के साथ ना चलने पाए। शैतान अपने दूतों को लगा देता, तभी तुम्हें होता है पास्टर जी बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, फोन आया था नहीं मैंने सुन लिया। खुद शैतान ने समझदार दूत लगा रखे तुम्हें उनको हराना है, बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके उपवास करके संगति करके पवित्रता के साथ चल के। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारी बंदूकों में क्या भर दिया शैतान ने? गोली के अंदर भी बारूद होता है, पता है? पटाखे के अंदर भी क्या होता है? बारूद ही होता है। बारूद सेम है, बंदूक सेम है, पटाखे सेम है, लेकिन गोली के अंदर वो बारूद भरा होता है जो बंदे को मार देता है। हालेलुया। और पटाखे के अंदर कौन सा बारूद होता है? जो बंदे को थोड़ा सा डरा देते। शैतान को पता है कि ये फोके मसीह है, इनकी प्रार्थनाएं फोकी है, ये दिल में व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं, ये खड़े होने वाले ना, ये पीछे बैठने जाके आगे बताना, ये वॉलंटियर कहां है सुस्त बंदे हमारे। तुम्हें बैठने का तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। जिनको सुसू की आदत है ना, ये पीछे बैठा करो जाके। हालेलुया। हम भी टकिया खाली करके आते हैं, ऊपर रहते हैं, हम भी खड़े रहते हैं, बाथरूम लगा हुआ बाहर। हालेलुया। हालेलुया। जीवन को क्या रख रहे हैं? साफ, ताकि शैतान भी डरे, बीमारी लाता हुआ, परेशानी लाता हुआ, समस्याएं लाता हुआ। हालेलुया। हालेलुया। क्या करनी है, क्या करनी है आज से सुबह सवेरे? बोल के बताएंगे, ऐ खुदा मैं
सुबह सवेरे दुआ करूंगा। सच्चाई के साथ चलना, हालेलुया।
नबूकदनेस्सर को जब शत्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की औकात पता नहीं थी, लेकिन जब वो आके भटक पड़े, कई बार खुदा अपनी औकात लोगों को दिखाने के लिए कि वो क्या पावरफुल गॉड है, क्या वो चीज है, वो क्या क्या वो महान परमेश्वर है, दिखाने के कई बार अपने लोगों को परीक्षाओं में लेकर जाते हैं, परीक्षाओं से लेकर जाते हैं, कई बार दुख से लेकर भी जाते हैं। कहां गिराया अपने लोगों को, कहां जाने दिया, आपकी भट्टी में जाने दिया। तभी तो राजा को काल पड़ा लगती, हर एक भट्टी भट्टी में सब जा सकते थे, हर एक भट्टी को नहीं सहन कर सकता। हालेलुया, हर एक परीक्षा को सहन है। तीन ही बचे थे इतने यहूदियों में, तीन ही प्रभु को मानने वाले हजारों थे, लेकिन तीन ही स्ट्रॉन्ग थे, पक्के, कहते मर जाएंगे लेकिन अपने परमेश्वर के सामने कहीं और सर नहीं झुकाएंगे, आग में डालने डाल दो। हालेलुया, और तीन जब आग में गए, उन तीनों के लिए परमेश्वर आया, सभी के लिए नहीं आया, उन तीनों के लिए वहां मौजूद हो गया। जब आया तो नबूकदनेस्सर को पता लगा, कहता निकलो, मुझे पता लग गया कुछ ऐसे भी है बाइबल में करेक्टर। हालेलुया, कि पता होते हुए भी कि हम किस परमेश्वर के मानने वाले, वो कितना महान है। सैमसन जैसे व्यभिचार नहीं करिए, अंजाम क्या हुआ, सुसाइड। यहूदा जैसे चोरी करने लगे, अंजाम क्या हुआ, सुसाइड। शाऊल जैसे जिसको प्रभु ने राजा बनाया, कहता मैं लायक नहीं प्रभु, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं, कहता है काबिलियत मैं तुझे मैंने तुझे राजा चुने, प्रभु ने उसे बिठाया, लेकिन शाऊल घमंड में आया, मैं कर सकता हूं, मुझे पास्टर की जरूरत नहीं है। उसे कौन लीड करता था, शाऊल को, शमूएल भविष्यवक्ता लीड करता था, प्रभु का सेवक लीड करता था, वो राजा था, लेकिन राजा को सही सलाह देने वाला कौन था, प्रभु का सेवक था। आप राजा हो सकते हो, आप एमएलए हो सकते हो, आप पंच सरपंच प्रधान हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो किसी भी बड़ी पोस्ट पे, लेकिन आपको भी खुदा का सेवक चाहिए, जो खुदा ने हमें दिया तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें सही तरीके से गाइड कर सके। और जब गाइडेंस में आप चलते हैं तो विजयी होते हैं। अभी वो आंटी गवाही दे रही थी ना, उसको मैंने कई बार भटकते थे, मैं इनका क्या करूं, मैंने बोला इनको जमना में डाल दे, हालेलुया, रखिए एक महीने दो महीने छह महीने से, हालेलुया। मैंने पूछा कुछ हुआ कि नहीं हुआ, अभी दो चार हफ्ता दस दिन पहले पूछ के गई कर दी जी, मैंने उस दिन कहा मैं आपको डाल देना, इतने दिन से कह रहा था नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही डालेगा, हालेलुया, क्या निकले, क्या बोलते हैं उसे, ग्रांट उस सरकार की तरफ से, चार पांच साल से नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही आज्ञा मानी और शैतानी चीजें निकली, हालेलुया, आज्ञा मानी शैतानी चीजें निकाल ली, आज्ञा मानी जब पाप छोड़ेंगे तो खुदा काम करेगा। हालेलुया, 1.5 लाख की ग्रांट अकाउंट में आ गई, अभी पूछ रहे थे ना आगे, हाँ जी अभी खत्ते में, इतने और क्या, मोदी साहब को तेरी झोली में डाल के लाएंगे, खत्ते में आ गई, मतलब तेरे खत्ते में आई, पड़ोसी के थोड़ी आई, अब तो निकाल, मतलब कैश निकाल, एटीएम से निकाल, जिस मर्जी से, खत्ते में आ गई ना, खत्ते में आ जाते हैं, बोलते हैं अभी पेमेंट होगी, नहीं अभी नहीं आई, अब एक चक्कर आ गया, हाँ जी होगी, धन होगी, खत्ते में आ गई, ओके जी, जाते ना रिचार्ज कराने, हो गया जी, नहीं अभी नहीं, पैसे कट गए खाते, हो गया जी, हफ्ते में पैसे भेजे, आ जी आ गए, काम ओके हो गया। हालेलुया, खुदावन यीशु ही एक ऐसा परमेश्वर है जो आपकी हर एक समस्या का हल कर सकता है। हालेलुया, होमवर्क याद रखना, अपनी औकात में रहना, परमेश्वर बनने की कोशिश मत करना, पाप में मत जाना,
यही मैसेज होता है चर्च में कि पाप छोड़ दे, धर्म जात से कोई लेना देना नहीं। इसलिए यहाँ पर राजा रंग छोटे बड़े अमीर गरीब भिखारी सब एक है। हालेलुया, सब एक है यहाँ पर परमेश्वर के भवन में। कोई जात पर छोटा बड़ा मोटा काला गोरा अमीर गरीब नहीं है, सब एक है, एक ही फैमिली है। हालेलुया, अपनी औकात में रहना कि पाप नहीं करने, बुराई से बच कर रहना, अच्छे काम करने, भले काम करने, क्या करने हैं, ऐसे काम करना सदा तुम दुनिया में, तुम में सब तुम्हारे मसीहा को पहचाने, तुम में सब तुम्हारे मसीहा को पहचाने, तुम दुनिया तरफ हो जाओ। अगर तुम्हें पता
यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, उसकी तरफ हो जाओ। अगर नहीं पता नहीं चलना चाहते तो चर्च को छोड़ो, अपने वहां जहां चलना चाहते वहीं चलो। बाइबल में लिखा प्रकाशित वाक्य तीसरे अध्याय में, ना तुम ठंडे ना तुम गरम, तुम गुनगुने हो। कि जब जरूरत पड़ेगी तो चर्च में चले गए, काम हो गया तो फिर वही पुराने काम शुरू हो गए। हालेलुया। गुनगुने प्रभु को पसंद नहीं करते। या तो ठंडे हो जाओ या तो अपनी मौज मस्ती को करनी है वही कर लो जहां तुम चलते हो, जिनको तुम मानते हो, या तुम गर्म हो जाओ या तो सीधा सब तुम छोड़ के प्रभु के पीछे रहो। हालेलुया। और ऐसा कोई नहीं जो सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिया। प्रभु ये नहीं कहता कि छोड़ दो पति पत्नी बच्चों को, ये नहीं कह रहा प्रभु। छोड़ दे का मतलब कि अगर कुछ चीज त्यागनी पड़ जाए, तुम्हें प्रभु में से और संसार में से कुछ चुनना पड़ जाए, तो हम संसार की चीजों को छोड़ दो फिर प्रभु को चुन लो। यानी मैं प्रभु में आ गया तो मैं पत्नी को भी छोड़ देता हूँ, बच्चों को भी, परिवार को भी समान, ये नहीं प्रभु का। हालेलुया। कहता तुम जब मेरे पीछे आओगे तो मैं तुम्हारी राखी करूंगा। हालेलुया। वो धर्म नहीं बदलता, क्या बदलता है? जिन्होंने प्रभु को जाना और अपनी औकात में रहे। यूसुफ वर्गे प्रधानमंत्री बन गए, दानियल वर्गे राजा के मेन बन गए। हालेलुया। शाऊल बन गए, राजा बन गए। हालेलुया। लेकिन वही जब अनाकारिता करी तो मर भी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना ब्यूटीफुल और अच्छा परमेश्वर है। देखो जब हम प्रभु में नहीं थे तो पता नहीं कहां कहां माथे रगड़ते रहे। हालेलुया। कोई जवाब वहां से नहीं आता। और प्रभु कितना अच्छा परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु उत्तर देते हैं, अच्छे काम करने शुरू कर देता है प्रभु प्रार्थना को उत्तर देना, सब कुछ घर में सही होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब सब अच्छा करते हो तो अच्छा होना शुरू हो जाता है, तो तुम्हारे दिमाग से ये शैतान बात भुला देता है कि जब तुम बुरा करोगे तब भी अच्छा एक्सपेक्ट करते हो कि परमेश्वर आपके साथ देगा। ऐसा परमेश्वर नहीं है। जब अच्छा करोगे अच्छा दे रहे, तो बुरा करोगे तो ये मत सोचना कि वो दंड नहीं दे, वो दंड भी देता है। सच्चे परमेश्वर के पास आता है। जो बाप मूर्ति में है ना, मर गया बाप, अगर मर गया किसी बच्चे का मूर्ति में है, तो वो दंड काम करके तुम्हें पीटेगा नहीं, तुम्हें मारेगा नहीं, तुम्हें समझाएगा नहीं। लेकिन अगर बाप जिंदा है, अच्छा कर रहे हो तो गले से लगाएगा, अगर गलत काम करके आए तो डंडा उठाएगा। अगर बाप जिंदा है, हमारा परमेश्वर जिंदा है, अच्छा करते हो तो गले से लगाता है, ब्लेस करता है, बुरा करते हो तो डंडा भी उठाता है। क्या चाहते हो, डंडा उठाए या गले से लगाए? क्या करे तो क्या करना है? ऐसे काम करना सदा तुम दुनिया में, सुनो पड़ोसी को बोलो हाथ लगा के, ऐसे काम करना सदा तुम दुनिया में, ऐसे काम करना सदा तुम दुनिया में, तुम सब तुम्हारे मसीहा को प्रोसीगो, एक दूसरे को बोले तुम दुनिया भरेगा तुम्हारा। हालेलुया। कि
कनेक्शन कटेगा तो प्रभु कनेक्शन जोड़ने जाएगा। अपने अपना कनेक्शन अपने आप जोड़ा है। रात को 10:30-11 बजे की बात बता रही हूँ, 1.5 घंटा लग गया। इधर चढ़े खंभे पे खड़े नहीं हुए, सीढ़ी लगाकर खंभे पे चढ़ गए। हालेलुया, इधर संडे है, बिजली नहीं होगी, रात कोई नहीं निकल जाएगी बिना पानी के भी, कोई नहीं जुगाड़ कर दिया था पानी का, लेकिन आज मीटिंग है। प्रभु ने बुद्धि दी, अगले मकान ये मकान वाले का रात को चप्पी मार के ले गए, चढ़े वहां ग्रहण था, यहाँ ग्रहण नहीं था, बीच में गड़बड़ी, सारी तारों को नीचे उतारे, सारी लाइन को नीचे, ये शक्ति लगा रहा था, सिर्फ चिंगारे उठ रही। मैं कह रहा हूं से भाई, एक तार को जोड़ने में हमें 1 घंटा लग गया, बड़ी सेफ्टी के साथ काम कर रहा था। हालेलुया, बुद्धि परमेश्वर ने दी, काम प्रभु करता है। हालेलुया, यही कि आज समस्या है, बिजली का बिल भरना है, पेंशन नहीं मिल रही है, काम को छोड़ गए हैं, ज्यादा बीमार है तो चलते करते हैं, जैसे तुम्हारे मन होते हैं काम भी उतनी लेट होता है। प्रभु को पता तुम अपने मतलब के लिए आ रहे, अपने लालच के लिए आ रहे, थोड़े दिन बाद भाग जाओगे, फिर काम जल्दी नहीं होते, वेट करना पड़ता है, फिर प्रभु करता है, फिर तुम पीछे हटते हो, फिर बड़ी समस्या है, फिर बैठी हुई शैतान तो बैठा है तुम्हें लेकर। हालेलुया, तो ऐसे काम करने ताकि तुम में लोग प्रभु को पहचाने। लड़ रहे परिवार आपस में, एक ही गांव में रहते हैं, होली गुत्ता गुत्ता, ऐसी ऐसी गालियां। अभी मीटिंग के बाद लूंगा क्लास तुम्हारी, तो समझ जाना वो परिवार किसकी बात कर रहा हूं, ऐसे मिलके जाने मैं नहीं कहा तुम्हारे धोए आ रहे। हालेलुया, ऐसे बेअकले लोग, गीत कह रहा है कि ऐसे काम करो तुम्हें लोग प्रभु, तुम्हें देखकर प्रभु को बचाने, डूब कर मर जाए वो लोग तुम्हारे कारण अगर प्रभु के नाम की निंदा होती है। हालेलुया, किसी में पेशेंस नहीं। एक कहता शेर गाली देने में लगाता, मैं सवा शेर, तू ये गाली देगी तो मैं ऐसी गाली मैंने पहली बार सुनी, बताता हूं जरा मीटिंग के बाद तुम्हें, आज करता हूं तुम्हारी सेटिंग में थोड़ा सा इधर, जब थोड़ी सुनावत नहीं होती ना तो सुनावत इधर होगी, आज कटघरा थोड़ा इधर लगेगा सुप्रीम कोर्ट में, मिलके जाना मेरे से। हालेलुया, मुझे कोई खुशी नहीं ऐसे लोगों से, चर्च से भाग भी जाएगा छोड़ के मुझे खुशी है, भाग जाओ, प्रभु सच्चा परमेश्वर है, ये तो खुदा के हो ये शैतान के हो। हालेलुया, ऐसे काम करो कि प्रभु पहचाना जाए तुम्हें, अंतिम समय में तुम्हारे अंदर शैतान का पाप पहचाना जाए। हालेलुया, सुधर जाओ, शैतान अगर लेगा ना फिर मौका नहीं। हालेलुया, तो आज के वचन के अनुसार तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। हालेलुया, क्या औकात है तुम्हारी, क्या है, क्या सिखाने के वचन से है औकात तेरी, क्या औकात। हालेलुया, जब तुम्हें कोई नीचा दिखाए तुम्हें बोलो हमारी औकात हमारा परमेश्वर है, मेरा मंडे Oh, my God.
हैं आजकल मसीहों के लिए सोचते हैं अभी हैं तुच्छ मुच्छ कोई भी मसल नहीं है। हालेलुया, तुम पुच्छ पुच्छ नहीं हो, लोग तुम्हें सोचे पुच्छ पुच्छ। हाँ वो है पुच्छ पुच्छ जिनके जीवन प्रभु में सही है वो पुच्छ पुच्छ है। शैतान असली वाली बंदूक चलाएगा और तुम्हें उड़ाएगा, लेकिन जो सही है वो पुच्छ पुच्छ नहीं। हालेलुया, तुम्हारे साथ यहोवा खड़ा होता है, परमेश्वर खड़ा होता है, यीशु तुम्हारे साथ रहता है, उसके दूत तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम्हारा चाल चलन अगर प्रभु को पाया अच्छे हुए तो कहता है तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे आगे सर झुकाएंगे, सस्ता करेंगे, कहेंगे जी हाँ जी सर जी ऐसे करेंगे। अगर नहीं पाया तो तुम्हें तो आपस में लड़ लड़ के तुम मर जाओगे। हालेलुया, आज भागोगे, जीवित परमेश्वर के पास आओ। हालेलुया, उसकी कदर करो। तुम्हारी औकात यह है कि तुम्हारे साथ परमेश्वर है, जब तुम प्रार्थना करते हो तब तुम खुदा के नाम से दुष्ट आत्मा को डाल दो तो खुदा के दूत तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। कोई भी शैतान, कोई भी बीमारी, कोई भी रोग तुमको छू नहीं पाता। आज से ऐसे काम करने कि तुम में लोग किसको देखे, प्रभु को, मैं बिचारी को नहीं, गाली देने वाले को नहीं, मतलब ही को नहीं। हालेलुया, लोग तुम्हें पुच्छ पुच्छ सच्चे सोचने लो, अपनी प्रार्थना स्ट्रांग रखो, वफादार रहो। एक दिन वो कहेंगे भाई हमें भी चलना तुम्हारे साथ, कहां तुम सत्संग में जाते हो, हमें भी जरूरत है। लेकिन तुम्हारे चाल चलन अगर गलत हो तो मैंने कहेंगे ऐसी जगह जाने से अच्छा तो ना जाए। और तुम्हारे कारण जब प्रभु के नाम की निंदा हो रही है, लोग ठोकर खा रहे हैं, चक्की का पाठ है तुम लोगों के घर में, ध्यान रखना ये चक्की का पाठ है, किसी और के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे कारण लोग प्रभु में नहीं आ पाते, तुम्हारे कामों को देखकर, तुम्हारे व्यभिचारों को देखकर, तुम्हारी गालियों को लेकर तुम्हारे काम वाले कहते छी ऐसे लोग। हालेलुया, कोई ईंटे मार रहा है, कोई रोड़े मार रहे, कोई गाली दे रहे, कोई कुछ कर रहे, शर्म आनी हो। हालेलुया, कोई फादर क्या कर रहे खड़े। हालेलुया, दुष्ट आत्माएं हैं कईयों में, हर एक को ये बाइबल में कहिए, ये सॉरी कहिए, बस सोचो पवित्र आत्मा है, कईयों के अंदर दुष्ट आत्मा है, हर एक की बात नहीं कर रहा, नबी चांदनी भी ऐसे थे लड़ाई करने वाले गलत काम कर। मेरे को पता है तुम्हारे अंदर क्या है, तो लोगों को तुम बेवकूफ बना रहे, तुम्हारे पड़ोस पड़ोसी यहाँ बैठा है तुम उसको बना रहे हो, पवित्र आत्मा ज्यादा अभिषेक आ रहा है, इनके घर रिश्ता जोड़ देते हैं, इनके घर अपने बेटी की बेटे की शादी करते हैं, आत्मा में जाते हैं। तुम्हें पता है, हमें पता है कौन आत्मा में जाते हैं, इन से छूटे कि नहीं छूटे, ये अभी लड़कियों से चक्कर छूटे कि नहीं छूटे, ये अपनी माँ को आपको गोलियां देकर गलत काम हो रहे हैं। हालेलुया, अच्छा रिश्ते कर लेते हैं उधर, उसके साथ कर लेते हैं, वो अच्छी लड़की है उसको, तुम्हें नहीं पता, कोई एडवाइस दे दी तो हमसे ले लिए, हम बताएंगे तुम्हें क्या सही है क्या गलत है। हालेलुया, ये करके कोई फायदा नहीं है। एक मैं उस सोशल मीडिया पे वो देख रहा था, एक बंदा बंदूक ले रहा था, आठ नालियों वाली, पीछे घोड़ा एक और उसकी नालियां आठ थी, वो हाल करेगा तुम्हारा शैतान, प्रभु नहीं शैतान करेगा, क्योंकि जब प्रभु की गाइडेंस से तुम निकल गए, बाड़ा तोड़ दिया तो शैतान के हाथ में एक गोली वाली, छह छह नालियां वाली ऐसे पार पार हो जाएंगे। हालेलुया, सुधर जाओ, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर है, जो टहनी जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो काटा जाएगा, ये रोते रहना प्रभु पास्टर जी करियो कुछ, पास्टर ने कुछ नहीं करना, पास्टर तो सब पे हाथ करता है, किसी की दुष्ट आत्मा निकलते हैं, कोई चंगा रहता है, कोई नहीं भी होता है, तो मैं थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो चाहू सब चंगे होने, प्रभु चाहेगा कि ये हाथ रखे सब पे और चंगा हो कि उसको प्रभु करे, समझ गए। हालेलुया, अपने जीवन सही कर लो, प्रभु को प्रसन्न नहीं है, प्रभु को अच्छे नहीं लगते तुम्हारे पाप वाले जीवन,
लेकिन प्रभु खुश होते हैं उन लोगों से, उन बहनों से, उन भाइयों से जो पाप छोड़कर, बुराई छोड़कर सुधर रहे, नशा छोड़ रहे, धीरे धीरे पटरी पर आ रहे, लाइन पर आ रहे, अच्छे हो रहे, वादा कर रहे कि प्रभु अब तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु खुश होते हैं उनसे। हालेलुया, अपने कामों को सुधार लो, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी विपत्ति पड़ जाए कोई नहीं छुड़ा पाएगा, क्योंकि यहोवा ना छुड़ा पाए तो और कौन छुड़ाएगा। हालेलुया, सच्चा परमेश्वर ना बचाएगा तो और कौन बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। हालेलुया, तो अपनी औकात याद रखना, खुदा में सही है तो खुदा तुम्हारे साथ, उसके दोस्त तुम्हारे साथ खड़े, कोई तुम्हें कुछ कुछ समझे चिंता ना करो, अपनी प्रार्थना सुबह सवेरे दुआ करनी, और मुझको यकीन है तो मेरी दुआ सुनो सच्चे मन से। आमीन, जोर से ताली बजाइए। आज फ्री अनॉइंटिंग ऑयल भी दिया जाएगा, स्पेशल भेंट का दिन में अपनी भेंट को निकालेंगे, अपनी भेंट को निकालेंगे, अपनी भेंटों को जो भी हम परमेश्वर के भवन को लेकर आए। अपनी कमाई का उत्तम भाग दसवांश मैं तेरे भवन में लेकर आए, इस भेंट को मैं तेरे कार्य के लिए डालूं, ब्लेस कर यीशु के नाम में। आमीन। अपनी भेंट को, अपने दसवांश को आप डाल सकते हैं, उसके बाद दोबारा प्रार्थना करेंगे, स्पेशल भेंट को आपने डाले। थैंक यू जीसस, हालेलुया, अपनी भेंट को डालते रहे। जो भी अपना स्पेशल भेंट लेकर
लेकर आए प्रभु, हर महीने के तीसरे इतवार को प्रभु जो भी लेकर आए मेरी प्रार्थना करते कर जाने हमेशा भरे रहे प्रभु, इतने भरे रहे कि कभी किसी भली वस्तु की खंडी न हो, कभी किसी भी वस्तु की खंडी न हो, इतना अनाज इतनी बरकत इतनी आशीष प्रभु के खुदावन ये मांगते प्रभु मांगते थक जाए तो तुम देता देता ना थके प्रभु जी, इतनी बरकत इतना इनके परिवार में शांति और प्यार हो, इनके बच्चे लहलहाते रहे गरीब महिमा करते रहे प्रभु, इनका स्पेशल भेद अपनी कमाई से स्पेशल भेद निकालना, इनके लिए बरकत का बड़े दरवाजों के खुलने का बड़ी आशीषों के खुलने का कारण बन जाए, ईश्वर के नाम जो भी बोल है सोगना आशीष पाए यीशु मसीह के नाम में, ये सब छुए जाए इनकी भेंट छुए जाए प्रभु, आप इनकी भेंटों को देख रहे हैं तो स्पेशल भेंट लेकर आए, इनको ब्लेस करना कभी किसी भली वस्तु की घटी ना, जहां भी लगे सिर्फ तेरे कार्य में लगे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। जो भी स्पेशल भेंट लेकर आए अपने हाथों को उठाए और डालते जाए मेरे समस्या वाली जगह पर इस ऑयल को अप्लाई करें, लगाएं प्रार्थना किए हुए तेल को, और मेरा विश्वास है बहुत से लोगों ने छुटकारा पाया, आप भी पाएंगे आमीन। परिवार से एक एक सदस्य खड़े हो जाए और जैसे ऑयल आपको प्रार्थना के वक्त शिष्य मिलती रहेगी बैठते रहना, परिवार से एक एक बंदा हालेलुया अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, परिवार में से चार दो भाई इधर बैठे बहन इधर बैठे तो एक खड़ा हो गया इधर भी खड़ा हो गया परिवार में से सिर्फ एक जन अगर बहने बैठे हैं या खड़ी हैं तो भाई लोग बैठ जाएं, अगर परिवार में दो कुटुंब में माता पिता कुटुंब में से दो परिवार है तो दो बंदे बैठ सकते हैं, पर एक ही माता पिता की फैमिली में से आप जो घर से लेके आते हो उनके लिए प्रार्थना नहीं होगी तेल पानी पर, यहीं से मिलेगा वही यूज करना है, अलग से तेल नहीं दिया जाता आपके तेल पे नहीं प्रार्थना होती, चर्च से दिया जाता है, ये महीने आपको यूज करना अगले महीने, वो पुराने रूल रेगुलेशन उठा दिए हमने ठीक है, तो यहीं से तेल मिलता है पूरा महीना आपने चलाना है इसको, परिवार में से सिर्फ एक जन और तेल देना शुरू करें, तुम दुनिया के Oh,
फाइनेंस की समस्या को लेकर, तो आप सभी ने जो रह गए हैं, जिन्होंने अपनी भेंटों को, जो स्पेशल बीज को प्रभु के भवन के लिए देना है, वो अपने बीजों को जल्दी से जल्दी प्रभु के भवन निर्माण कार्य के लिए जमा करना है, ताकि प्रभु का कार्य जल्दी से कंप्लीट हो सके यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ आपने प्रार्थना करनी है, ताकि सारे इंतजाम पूरे हो। हालेलुया। लंदन में एक बड़ा खर्चा है, उसके लिए बड़े इंतजाम करिए। तो आप सबकी तन मन धन से जब आप सपोर्ट करेंगे, तो खुदावंद आप सबको ब्लेस करेगा। हालेलुया। जो रह गए हैं, मेरी प्रार्थना खुदावंद के रास्तों को खोले, जो देना चाहते हैं जिनके रास्ते बंद है या फिर रुका हुआ कुछ काम है, खुलने पाए ईश्वर के नाम में, और जल्दी खुदावंद तेरे भवन के लिए बीजों के साथ तेरे भवन में खड़े और तेरे कार्य कंप्लीट होने पाए। दुआ में याद रखना, ताकि इस आने वाले हफ्ते में ही ये कार्य कंप्लीट हो, लेंटर पड़े। आप सबकी प्रार्थना की आवश्यकता है, सपोर्ट की आवश्यकता है, ताकि ये खुदा का काम जल्दी कंप्लीट हो, सब मिल कर उसमें बैठ कर प्रभु की महिमा कर सके। हालेलुया। तो मीटिंग के बाद जो भी अपना बीज लेकर आया चर्च भवन के लिए, वो भाई बीज संघ को मीटिंग के बाद दे सकता है, या मुझे या प्रभु की सेवका को आप जमा करा सकते हैं, जो भी चर्च भवन के लिए बीज देना चाहते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए, लाइन प्रार्थना में जाके प्रभु की सेवका के द्वारा सभी ऊंचा करके अपने हाथों को उठा दे, कोई भी हाथ नीचे रहे। पाप छोड़ने के लिए तैयार है, जिन बातों से परमेश्वर खुश नहीं होता वो सब बातें छोड़ने के लिए तैयार है, जो खुदा की आज्ञा है उनको मानने के लिए तैयार है। अगर आप फैसला कर चुके हैं, तो परमेश्वर भी आपको ब्लेस करने के लिए फैसला कर चुके हैं, प्रभु भी आपको छुड़ाने के लिए फैसला कर चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। और अगर आप पवित्र बनने के लिए नशे, बीड़ी, सिगरेट, दारू, गुटखा, जो भी पाप, चुगलियां, गालियां, गंदी मुंह से गालियां बकने वाले लोग, प्रकाशित वाक्य में लिखा है नरक के भागीदार होंगे, जो अपनी जुबान को गंदा करते हैं, अपने मुंह से गंदी गालियां बकते हैं, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सारों का, झूठ बोलने वालों का भाग, डरपोकों का भाग, गालियां देने वाले लोगों का भाग, सारों का, ऐसे ऐसे और भी बुरे काम करने वाले लोगों का भाग जो है नशेड़ियों का नर्क की झील में मिलेगा। जितने भी व्यभिचार करते हैं उन सभी का, उन सभी लोगों का, जितने भी पाप इस दुनिया में है और जो लोग करते हैं उनका भाग नर्क की झील में मिलेगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आज की जिंदगी को, आज के संसारिक अभिलाषाओं की चकाचौंध को देखकर अपनी आत्माओं का नाश ना करें, अपने जीवनों का नाश ना करें, परंतु फैसला करें परमेश्वर के साथ चलने का, क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, परमेश्वर अपने लोगों को दर्शनों के द्वारा चेतावनियां दे रहे हैं, बता रहे हैं कि उनका आगमन होने वाला है। अपनी अपनी तैयारियां करें, अपने अपने कमर को बांध लें, वाइट वस्त्रों को ले लें, परमेश्वर से को पहने, अपने आप को पवित्र करें, पापों को छोड़ दें, मन फिराएं और लौट आए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अगर आज आप सब कुछ ये पाप छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो अब जब आप मेरे साथ मिलकर जो भी परमेश्वर से मांगेंगे, खुदा आपको जरूर देंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर पापियों का सामना करेगा। खुदावन पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पापियों का सामना करेगा, कर न्याय करेगा। तो छोड़ देंगे हम पाप करेंगे और प्रभु हमें ब्लेस करेगा, वो कभी ऐसा जीवन में नहीं होगा। अगर आज दिल से आप इस समय छोड़ रहे अपने गुनाहों को, तौबा कर रहे हैं, फैसला कर रहे हैं अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए, तो अभी जितने भी लोग मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होने वाले हैं, आपने जो चाहिए आपको मांगना परमेश्वर से, और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन में जरूर करेंगे। शक मत करना, क्योंकि शक करने वाले मनुष्य को कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है शक करने वाला मनुष्य समुद्र की लहरों के समान है, वो ये ना सोचे कि उसे परमेश्वर से कुछ मिलेगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जो आप ये सब कुछ करने को तैयार है जो मैंने आपको बोला, और अब जो आप
दिल से विश्वास के साथ मांगेंगे खुदा से, ये मेरा विश्वास है कि खुदा आपके जीवन में जरूरतमंद कामों को करेंगे, आपके बंधनों को तोड़ेंगे, आपके जीवन में पड़े आ रहे जितने भी श्राप हैं वो सब श्रापों को परमेश्वर दूर करेंगे। सभी ने बिना आराधना में प्रार्थना में शामिल होने, सभी ने धन्यवाद जीसस, सभी ने प्रार्थना करनी है, जुबान सभी की खुली होनी चाहिए, मुंह खुलना चाहिए आप लोगों का। धन्यवाद जीसस, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो, पवित्र 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 से नाम के यहोवा, दुआ कर दे लॉर्ड जीसस को दया, परमेश्वर पिता मेरे ही बेटी होने के नाते लॉर्ड तेरे लोगों के लिए दुआ कर दे मेरे को दया, परमेश्वर जितने भी दुष्ट आत्मा के जीवन में कार्य कर दिए Oh,
तेरा शुक्र करते हैं, जितने भी ये लोग आलसी हैं परमेश्वर इनके ऊपर तेरी आग दे, इन आलसियों के ऊपर तेरी फायर दे, लापरवाह वाली आत्मा के ऊपर फायर दे, सुस्ती आत्माओं के ऊपर आग दे, जो दुष्ट आत्मा इनको परोस करने से रोके शैतान के ऊपर फायर दे, आत्मिक गुस्सा जाए यीशु के नाम पे, यीशु के नाम पे दूसरे अंग्रेस के नाम में मानते हैं।